नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन और मैं हूं विक्रम सिंगा। यदि आप भी एनडीए एयरफोर्स नेवी में जाने का सपना रखते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपने एनडीए 2020 या एयरफोर्स का फॉर्म भर रखा है तो दोस्तों आप उनके एग्जाम भी जरूर देंगे, और एग्जाम देंगे इसका मतलब कि आप उनकी तैयारी भी कर रहे होंगे, और तैयारी में मैथमेटिक्स का कितना अहम रोल होता है वो तो आप बेशक जानते हैं। एनडीए तो एक पूरे तरीके से ही मैथमेटिक्स टिका हुआ है, क्योंकि उसका एक पूरा पेपर जो मैथमेटिक्स का आता है वो लोगों को यूं पागल सा बना देता है। और एयरफोर्स में उसमें कौन सी कम आती है मैथमेटिक्स मेरे भाई। तो मैथमेटिक्स जो बहुत से लोगों को जिससे डर लगता है, जिसमें कंफ्यूजन्स होते हैं, जो क्वेश्चंस लोगों को फंसा देते हैं, उसी मैथमेटिक्स की आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में बिना स्किप किए थोड़ा सा आगे जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो बातें आपको जरूर जाननी चाहिए दोस्तों। तो वो बातें क्या है वो भी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए जो मैथमेटिक्स है उसी में से हमारा एक चैप्टर है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। आज इस पूरी इस क्लास में ये 1.5-2 घंटे की जितनी भी हमारी क्लास होगी इसमें हम पूरे इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप देखिए, अपने इस एक पूरे चैप्टर को क्लियर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं बिल्कुल कि आपकी जब आप इस पूरी क्लास को देख पाएंगे और आप इसके नोट्स बना लेंगे, उसके बाद में आप किसी भी नोटबुक को या किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, चाहे वो एनडीए के लिए हो या एयरफोर्स के लिए या किसी भी डिफेंस परीक्षा के लिए हो, और आप उसमें से इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके क्वेश्चन ना हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और मुझे जो कहना हो कह दीजिएगा। लेकिन पहले आपको एक बार इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए और अपने नोट्स बनाकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है और सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स जरूरी होता है मेरे भाई। जबकि हम इस चैप्टर की अगर बात करें, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक जो ज्यामिति चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर से हमारे एनडीए की एग्जाम में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसका सपना हर साल लाखों स्टूडेंट देखते हैं, बहुत से लोगों का सपना होता है एनडीए में ऑफिसर बनने का, अपने शरीर पर एक ऑफिसर की वर्दी पाने का दोस्तों, यहाँ स्टार लगाने का, लेकिन वो सपना यूँ अधूरा सा रह जाता है क्योंकि वो बहुत गलतियां कर देते हैं, वो दिल लगाकर अपने सपने के लिए मेहनत नहीं करते, मन लगाकर मेहनत नहीं करते। यदि आपका भी सपना है एनडीए में ऑफिसर बनने का तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मेरे इसी वीडियो को नहीं सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि एनडीए में मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आते हैं और वो पेपर आपको एक अच्छा लेवल पर लेकर जा सकता है, आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। तो मेरे सभी वीडियो को देखिए और अपने मैथमेटिक्स के पेपर में एक अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार रहिए मेरे साथ। तो एनडीए में अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से अकेले इस एक चैप्टर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5-8 क्वेश्चन आते हैं। जी हां, 5-8 क्वेश्चन इस अकेले इस चैप्टर से आते हैं। ये 5-8 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि कम से कम क्वेश्चन तो 5 आए ही आएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन यहां पर मैक्सिमम 8 और 8 से ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन एवरेज 5-8 के बीच में ही होता है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और आपको इस एक चैप्टर से 5-8 क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। तो क्यों छोड़ेंगे हम इस चैप्टर को? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आग लगा देंगे इस चैप्टर को पूरा करके, अभी खत्म कर देंगे 2 घंटे में, और फिर किसी भी बुक को उठा के प्रैक्टिस करके फिर हमारे इस चैप्टर का नाम खत्म कर देंगे कि ये चैप्टर हमारी लिस्ट में है ही नहीं। तो चलिए एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो एयरफोर्स और नेवी में इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएगा, कोई नहीं रोक सकता, और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहां पर हो सकते हैं। ये हमारा वीडियो मिशन एनडीए 2020 और एयरफोर्स 2020 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा फोकस करेगा दोस्तों। इससे पहले हमने इस चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 छोटे-छोटे वीडियो डाल दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, और नहीं भी देखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस पूरे वीडियो के अंदर मैं पूरे चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से 0 से लेकर चलूंगा और बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल शुरुआत से इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ बने रहिए अंत तक, पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे बढ़ने से पहले नीचे आपको एक रेड कलर का
सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को मारो भाई मुक्का, जल्दी से उसे मुक्का मार दो और उसे बुझा दो, लाल मत रहने दो, बस उसे सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं लाइव टेस्ट भी लेकर आने वाला हूं इसी चैनल पर, तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिलने चाहिए। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को दबा दब शेयर कर दीजिए। जी हाँ, अपने व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, फेसबुक ग्रुपों में, इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पर, हर जगह इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे जोश मिलेगा, और जितना मुझे जोश मिलेगा मैं उससे 10 गुना आपको मोटिवेट करूंगा, आपको जोश दूंगा। तो ये मोटिवेशन बना के रखिए, आपको मुझसे मोटिवेशन ही सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। आपको एक ऑफिसर बनना है, एक आर्मी मैन, एक सोल्जर बनना है दोस्तों, तो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, एक आर्मी मैन या फिर एक सोल्जर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज क्या है कि जो ठाना है वो करना है, बस यही सोच लीजिए, ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक पूरे ना होंगे हमारे सपने। और एक अपना टारगेट कर लीजिए, अब की बार आखिरी बार, चाहे आपका ये पहला चांस हो चाहे आखिरी चांस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चांस को हम आखिरी बनाकर छोड़ेंगे और अब की बार सिलेक्शन लेकर छोड़ेंगे, हमारे शरीर पर वर्दी अब की बार आकर रहेगी। तो अब बात करते हैं सारी बातों को एक साइड और शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो अब बिल्कुल फोकस रखिए मेरे सामने स्क्रीन पर, बिल्कुल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए, कानों में एयरफोन लगा लीजिए, सामने नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, और जो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो क्वेश्चन का आंसर मुझे देते रहिए, और जहां पर भी आपको लगे कि ये चीज मुझे नोट करनी चाहिए, मुझे नहीं आती है, तो उसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और दबाकर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत हम इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट करने वाले हैं, जी हाँ, एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर, तो कहीं नहीं जाना है आपको, वीडियो पूरा देखना है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर का हमारा जो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है वो पॉइंट है दोस्तों बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। तो किसी द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में यदि कोई बिंदु होता है, कोई भी बिंदु P, तो उस बिंदु P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होते हैं, ये होते हैं x, y। क्या ध्यान रखना है आपको कि द्विविमीय में निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु P है तो उसके कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक होंगे x, y, और जो x, y जो कोऑर्डिनेट होते हैं, निर्देशांक होते हैं, ये हमारे कार्तीय निर्देशांक होते हैं। कौन से निर्देशांक होते हैं, इन्हें कार्तीय निर्देशांक कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक। तो चलिए x, y हमारे कार्तीय निर्देशांक हो गए। इन x, y जो हमारे कार्तीय निर्देशांक होते हैं, इनके अंदर जो x होता है इसे भुज कहते हैं और जो y होता है इस y को कोटि कहते हैं। देखिए, जनरली हम जो कोटि और जो भुज, भुज और कोटि जो वर्ड है, इन वर्ड को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी बार हमारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को अलग टाइप से शो करने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए और हमें कंफ्यूज करने के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, भुज और कोटि। x, y तो सभी जानते हैं, लेकिन ये वर्ड काफी लोगों को पता नहीं होता, तो आपको पता होना जरूरी है कि x को भुज और y को कोटि कहते हैं। अगर कहीं पर भी ये वर्ड यूज होते हैं तो आपको इनका मीन x और y ही लेना है। दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में मैं आपके सामने देखिए एक प्लेन बनाता हूं, सिंपल सा, ये हमारा एक 2D प्लेन है। इस प्लेन में हमने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक x, y है। मैं आपसे अगर पूछूं कि बिंदु P क्या इस प्लेन के अंदर अक्ष अक्ष और y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखिए ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु है। तो बिंदु P का x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से इस बिंदु P की जो दूरी होगी वो हमारी y होगी दोस्तों। तो यहां पर आपको लिखना है कि बिंदु P की, यहां पर आपको लिखना है बिंदु P की अक्ष अक्ष से दूरी, बिंदु P की अक्ष अक्ष से दूरी। तो अक्ष अक्ष से दूरी बिंदु P की कितनी होगी दोस्तों, बिंदु P की अक्ष अक्ष से दूरी होगी यहां पर y। ऐसे ही आपको यहां पर क्या करना है, ऐसे आपको यहां पर लिखना है कि y अक्ष से दूरी, जी हाँ,
बिंदु P की, जो हमारा बिंदु P हमने लिया है इस प्लेन में, इस बिंदु की P की अक्षाक्ष दूरी हमारी y हो चुकी है, और इसी तरह इस y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी अक्ष। तो ये भी आपको लिखना है कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष दूरी हमारी होगी यहाँ पर x, ये होगी x। तो इस प्रकार से आपको इस पॉइंट को भी समझना है। और एक चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर लास्ट, वो पॉइंट है हमारा, हमारे जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं ये x कोमा y होते हैं, एक निर्देशांक और होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। तो हमारे जो ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं ये r कोमा थीटा होते हैं, जी हाँ r कोमा थीटा को हम ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं इस पूरे पॉइंट को वापस अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपना बिल्कुल पूरा फोकस अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर रखिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए, क्योंकि अब बारी है आपके सपने को पूरा करने की। तो सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए, अब अपने सपने पर फोकस कीजिए, दिल दिमाग को एक जगह कंट्रोल कीजिए और अपने सपने के लिए कार्य कीजिए। कानों में एयरफोन लगा लीजिए, अपने सामने एक नोटबुक और एक पेन पेपर पर रखिए जिसमें आपको इसके नोट करते चलना है। तो चलिए बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा है बिंदु, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। इसके अंदर बात आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को द्विविमीय में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यदि द्विविमीय में निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु P है, कोई भी बिंदु P, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहली बात उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके निर्देशांक होंगे x, y, और इस x, y को कार्तीय निर्देशांक कहते हैं। ओके दोस्तों, सेकंड है कि x को हम भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना क्योंकि बहुत बार यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी 2D तल के अंदर कोई बिंदु P स्थित होता है तो उस बिंदु P की कोऑर्डिनेट x, y है, और उस बिंदु P की x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो x अक्ष से दूरी हमारी होगी y और y अक्ष से दूरी हमारी होगी x। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक x कोमा y होते हैं और ध्रुवीय निर्देशांक r कोमा थीटा होते हैं। तो आपने इसमें सारे पॉइंट देखे, बिंदु के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सारी इस पॉइंट में आपने देखी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक, हमने दो प्रकार के निर्देशांक इसमें देखे हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या इसे पुश करके यहीं पर आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है बीच में छोड़कर, पूरा चैप्टर करवाऊंगा आपको इस एक वीडियो में, जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। क्योंकि चैप्टर से मैंने अभी आपको बताया कि NDA में 5 से 8 क्वेश्चन और एयरफोर्स में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अपने सपने के लिए मेरे साथ बने रहो, कहीं नहीं जाना है आपको। तो जल्दी से यहां पर इसको आप नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए। शेयर करो भाई, सभी शेयर करो जल्दी से। तो चलिए, पहले पॉइंट में हमने बात की बिंदु के बारे में, अब दूसरा पॉइंट है आप सभी के सामने, देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों में संबंध। जी हाँ, ध्रुवीय जो निर्देशांक है और हमारे कार्तीय निर्देशांक है, देखिए ध्रुवीय निर्देशांक हमारे होते हैं r कोमा थीटा, और हमारे जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x कोमा y। तो अब हमें ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांकों में संबंध ज्ञात करना है। अब संबंध क्या ज्ञात करेंगे, कोई आपको वैसे रिलेशन नहीं बनाना इसके बीच में, बस सिंपल सी दो ही चीजें हैं कि अगर हमें ध्रुवीय कोऑर्डिनेट दे दिए जाए, निर्देशांक दे दिए जाते हैं, तो हम ध्रुवीय से कार्तीय कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें कार्तीय दे दिए जाए तो हम कार्तीय से ध्रुवीय कैसे निकाल सकते हैं। दो केस यहां पर, दो कंडीशन हमारे सामने बनती हैं। तो पहली कंडीशन आपके सामने है कि ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना या परिवर्तित करना। ठीक है दोस्तों, ध्रुवीय निर्देशांकों से हम कार्तीय निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं ये आपको अब समझना है, और ये समझने के लिए आपको एक छोटा सा एक डायग्राम समझना होगा। तो सामने बिल्कुल फोकस रखिए स्क्रीन पर, देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक 2D प्लेन बनाया है। ये हमारा एक 2D प्लेन है, इसके अंदर ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया और ये y डैश हो गया। इस प्लेन के अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया यहाँ पर, पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट x कोमा y है। पॉइंट P हमने लिया, x कोमा y कोऑर्डिनेट इसके हैं, 2D प्लेन है हमारा, ये इसके मूल बिंदु हो गए। अगर अब मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, अभी हमने पहले पॉइंट में जो जानकारी ली है वो जानकारी अब यहाँ पर यूज आने वाली है, तो वो पॉइंट आपको पूरा याद होना चाहिए, आपके पास उसके नोट्स होने जरूरी हैं। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट P की x अक्ष की दूरी कितनी होगी बताइए मुझे जल्दी से। अभी पिछले एक नंबर पॉइंट में हमने बात की थी कि बिंदु P की x अक्ष की दूरी जो होती है वो दूरी हमारी y होगी। ठीक है दोस्तों,
बिंदु P की एक्स एक्स से दूरी वाई होगी, और यहां पर मैंने इसको मिला दिया और यहां पर इसे हमने नाम दे दिया क्यू। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। बिंदु P की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो ये भी अभी हमने देखा था, ये दूरी हमारी है यहां पर एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इस दूरी को मैंने यहाँ पर लिख दिया सीधा x, और यहाँ से बिंदु P को हमने मूल बिंदु पर करके एक त्रिभुज बना दिया। जी हाँ, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया है, और ये मूल बिंदु से कोण बनाता है थीटा। देखिए, अब आपके सामने पूरा डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 2D प्लेन लेते हैं। इस प्लेन में ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश, और ये इसका मूल बिंदु। हमने इसमें एक पॉइंट P लेते हैं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, और इस बिंदु P की अक्ष से दूरी होती है वाई, और वाई अक्ष से दूरी होती है एक्स। कोई डाउट नहीं है, ये मूल बिंदु से थीटा कोण बनाता है, बस सिंपल है। तो हमारे पास एक त्रिभुज बनकर आ चुका है। इस त्रिभुज को देखिए, मैंने नाम दे दिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में। देखिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में? आप 10वीं क्लास तो आपने जरूर पढ़ी होगी, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो। और 10वीं क्लास अगर आपने पढ़ी है तो आपको अगर याद हो तो 10वीं क्लास में हमारे एक चैप्टर आता है छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का। आज वो चैप्टर हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत हार्ड लगता था। हमारे टीचर ने पता नहीं कैसे हमें साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक रटाए थे, बहुत बुरी तरीके से रटाया था हमें उसे। और उसमें ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, एक समकोण त्रिभुज उसमें आपको साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट थीटा ये सारे निकालने पड़ते थे। कौन आपको देता था उससे वैल्यू निकालनी पड़ती थी। ये सारे क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भरपूर किए हैं, और इनके बाद में 11th क्लास में इनसे हाई लेवल के भरपूर हम कर चुके हैं। ओके, तो आपको इसमें कोई ज्यादा बड़ा डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मैं जानता हूं। तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट करके जल्दी से कि आपके टीचर ने आपको वहां पर इस त्रिभुज से साइन थीटा कोस थीटा निकालने का क्या तरीका बताया था। मैं अपना तरीका आपको बताता हूं। मेरे टीचर ने मुझे साइन थीटा कोस थीटा ये समकोण त्रिभुज से निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, एल ए एल बटा के ए लाल बटा कक्का। ये वाला फॉर्मूला मेरे टीचर ने मुझे बढ़िया से रटा दिया था कि लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार, और अगले में उल्टा करते चलो मेरे भाई। तो लाल बटा कक्का, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं बताया है तो मैं बता देता हूं। साइन में लंब बटा करण होगा, कोण जहां से है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा करण होती है, और बची हुई आधार होती है। ठीक है, तो लाल बटा कक्का से हम यहां पर निकाल लेते हैं। आप भी बताइएगा कि आपके टीचर ने आपको कौन सा तरीका बताया था। तो साइन थीटा इस त्रिभुज में, साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा होगा लाल बटा करण, मतलब लंब बटा करण हमारा होगा, और लंब की वैल्यू कितनी है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब की भुजा हो गई यहां पर वाई, और करण की भुजा सबसे बड़ी भुजा, इसको हमने नाम दे दिया आर। इसको क्या नाम दे दिया हमने? आर नाम दे दिया। तो इसका मान हो गया आर दोस्तों। तो यहां से वाई की वैल्यू हमारे पास आती है, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। जी हाँ, वाई की वैल्यू आ चुकी है। वापस देखिए, हमने साइन थीटा लिया, और साइन थीटा का मान बन होता है लंब बटा करण, तो लंब का मान हो गया वाई। वाई कैसे? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, हमेशा होती है, कभी नहीं, ये गलत नहीं हो सकता। ओके, और करण सबसे बड़ी भुजा करण होती है मेरे भाई, तो यहां पर हो गया वाई बटा आर। तो यहां से वाई का मान आ गया आर साइन थीटा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब सेम टू सेम आपको निकालना है कोस थीटा। तो यहां पर देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? लाल बटा कक्का, एल ए मतलब आधार बटा करण। तो आधार का मान कितना है? देखिए, हमारे यहां पर ये लंब है, ये करण है, तो बचा हुआ आधार, तो आधार का मान हो गया एक्स, तो एक्स बटा करण का मान हो गया आर। तो यहां से हमारा x का मान क्या निकल कर आता है? x का मान आएगा r cos थीटा। तो ये देखिए, ये हमारा देखिए दो वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास, y की मान और x का मान।
मैंने आपको हेडिंग क्या डाली थी, एक बार वापस हेडिंग पर हम गौर करते हैं। हेडिंग थी हमारी ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना, ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना, और इस खेल खेल में हमने ये पूरा काम कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल कर दिया। देखिए ध्रुवीय कौन से हैं हमारे, ध्रुवीय कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं आर कोमा थीटा, और कार्तीय कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं एक्स कोमा वाई। तो हमें आर थीटा को एक्स कोमा वाई में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो यहाँ पर यदि आपको एक्स का मान चाहिए तो आर का मान रखो, थीटा का मान रखो, तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। तो यहां से इन दोनों से आप आराम से निकाल सकते हैं, यदि आपको r थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो आप x, y की वैल्यू आराम से बिल्कुल नो टेंशन से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला केस था ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना। आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप जल्दी से इस पहले पॉइंट को नोट कीजिए, फिर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना। ये था हमारा ध्रुवीय को कार्तीय में, और अब बात करूंगा कार्तीय को ध्रुवीय में उल्टा करना, बदलना, इसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं आपके सामने। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे डाउनलोड कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे कर लीजिए, लेकिन वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। एक बंदा कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करेगा, मेरा टारगेट यही है कि इस वीडियो पे इतने व्यू जाए कि मेरा दिल खुश हो जाए, और अगला वीडियो में आपको धड़ाम दे पूरे चैप्टर का ही वीडियो आपके लिए अगला वीडियो भी दे दूंगा। इस वीडियो पे जितने ज्यादा अच्छे व्यूज और लाइक कमेंट आएंगे उतना जल्दी आपको अगला पूरे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी से इसे एक एक बंदा 10-10 ग्रुप में शेयर करे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो चलिए ये पॉइंट आपने पूरा नोट कर चुके हैं, अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। तो मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं। तो देखिए मैंने ये कर दिया साफ इसे, ठीक है मेरे भाई। अब हम दूसरा जो हमारा इसके अंदर पॉइंट है, हमने अभी बात की ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना, अब अगली हेडिंग डालो आप, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना, कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना, ये बदलना। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हम कार्तीय को, कार्तीय हमारे होते हैं एक्स को, वाई को हम ध्रुवीय में आर थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं इस डायग्राम को भी मिटा देता हूं, अब ये हमें यूज यहां पे नहीं आने वाला। चलिए देखिए, अगर अब हम बात करें यहां पर, सबसे पहले R की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम R की बात करें तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला होगा सिंपल सा, कि R बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी हाँ, R का मान आप कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आपको x और y की वैल्यू दी जाएंगी। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीधा कर दीजिए। अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, इससे आप थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया, इस हिसाब से ये बिल्कुल बहुत ही आसान लेवल के हमारे फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से हमारे दूसरे नंबर का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। पहला पॉइंट बिंदु था हमारा, और दूसरा है ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों के मध्य संबंध। तो इसमें पहले हमने बात की ध्रुवीय को कार्तीय में बदलना, और दूसरे बार हमने बात की कार्तीय को ध्रुवीय में बदलना, यानी एक्स वाई को आर थीटा में कन्वर्ट करना। तो हमने आर को निकाल सकते हैं इस तरीके से और थीटा को इस तरीके से। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे यहां पर तीसरे पॉइंट के बारे में, तीसरा पॉइंट भी अभी बात करेंगे, पूरे चैप्टर का वीडियो है, भूल मत जाना, ये 10-15 मिनट का वीडियो कुछ नहीं आपके लिए, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आज इसे एक ही वीडियो में। तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे नोट करते चलिए मेरे साथ-साथ। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट की। पिछले दो पॉइंट में हमने बात की पहले बिंदु के बारे में और दूसरा ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों के बीच संबंध, ध्रुवीय को कार्तीय में और कार्तीय को ध्रुवीय में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये हमने जान लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है बिंदु का प्रतिबिंब या बिंदु के प्रतिबिंब। जी हाँ, बिंदु के प्रतिबिंब, ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार कन्फ्यूज करते हैं हमें कि ये किस प्रकार से होगा हमसे या कैसे हो
सकता है। तो इसे मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, बस आप अपना बिल्कुल पूरा फोकस मेरी ओर रखिएगा, कहीं बीच में ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, वरना आप भी लोगों की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आपको समझना है। चलिए मान के चलिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप बिल्कुल सामने, आपके सामने एक शीशा या एक मिरर लगा हुआ है। जब आप उस मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देता है, मुझे बताइए जल्दी से। अगर आपका चेहरा इस तरफ है तो आपका चेहरा मिरर में आपको उल्टा यानी आपके बिल्कुल जस्ट सामने दिखाई देगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट? तो बस इसी कंसेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है और यही एक्स पर यहाँ पर काम करने वाला है। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं बिंदु का प्रतिबिंब, कि हम किसी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर एक छोटा सा एक प्लेन लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारा एक प्लेन है, 2D प्लेन है। तो इस प्लेन में ये हमारा हो गया एक्स एक्स, ये हमारा हो गया वाई एक्स और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इस प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट पी है हमारा एक्स कोमा वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स कोमा वाई एक बिंदु है। यही इस बात करें हम इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो दूसरे निर्देशांक, दूसरा जो चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक एक्स को मवाई होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉरी वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, सभी पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स को मवाई होंगे पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारे निर्देशांक यहाँ पर होंगे, एक्स हमारा हो जाएगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। तीसरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। चौथे चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा माइनस वाई। तो ये हमारे चारों चतुर्थांशों में चारों कोऑर्डिनेट हो गए बिंदु के। पहले में एक्स कोमा वाई, दूसरे में माइनस एक्स वाई, तीसरे में माइनस एक्स माइनस वाई और चौथे में एक्स कोमा माइनस वाई, हमारे चार कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने ये मिरर लगा हुआ है, ये आप खड़े हैं और ये मिरर लगा हुआ है और आपको इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल आसान है, क्या दिखाई दे रहा है? एक्स कोमा माइनस वाई। बस यही कंसेप्ट रखिए कि आपके सामने ये जो एक्स एक्सिस है ये एक मिरर है और इस मिरर में आपको जो दिख रहा है वही आपका उसका प्रतिबिंब होगा। बस सिंपल, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको ध्यान रखना है, कहीं फंसना नहीं है इन शब्दों के जाल में, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हमें जितनी ज़्यादा थ्योरी दी जाएगी उतना ज़्यादा हम उसमें फंसते जाएंगे, उन शब्दों में फंस जाएंगे। तो शब्दों में आपको नहीं फंसना, सीधा कंसेप्ट पे फोकस करना है और उसको जो बोलना चाह रहा है उसे समझना है। तो देखिए बस सीधा कि ये आप हैं, ये मिरर है और इसमें ये आपकी इमेज दिखाई दे रही है। ये मिरर है, ये आप हैं, ये मिरर है और इसमें आपकी इमेज दिखाई दे रही है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपसे पहला पॉइंट टू पॉइंट आपसे बातें करूँगा। मैं देखिए यहाँ पर इसको कुछ छोटे, यहाँ पर छोटा छोटा लिखूंगा बीच बीच में, तो वहाँ से आपको इसको नोट करना होगा क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ, और अगर थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो अपने मोबाइल से आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जिससे आपको बिल्कुल और भी साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा आता है कि बिंदु पी, पहला हमारा आता है पॉइंट पी एक्स कोमा वाई का, जो हमारा बिंदु पी है एक्स कोमा वाई का, एक्स कोमा वाई का एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। देखिए पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा कि बिंदु पी जो एक्स वाई है इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा? अभी वही जो कंसेप्ट मैंने बताया था, फोकस कीजिए, ये आप हैं और एक्स अक्ष कौन सा है इसके अंदर? एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष है आपका। ठीक है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब क्या होगा? अगर आप, ये तो आपकी मिरर इमेज ये है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? एक्स कोमा माइनस वाई। तो बिल्कुल आसान शब्दों में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कोमा माइनस वाई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है दोस्तों,
किसी को भी इस पॉइंट में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पर मैं नोट करता हूं अपना दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम सा है। देखिए यही लाइन है पूरी, मैं थ्योरी ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाने की कोशिश ज्यादा करूंगा, कंसेप्ट पूरे आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन जो लिख रहा हूं वो आप नोट भी कीजिएगा जिससे आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, जब भी आप देखें तो आपको तुरंत वो सारी चीजें याद आ जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट बिंदु पी एक्स वाई का, जो बिंदु पी है एक्स वाई का, अब इस बार हम कर रहे हैं यहां पर वाई अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। जी हाँ, अभी हमने एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाला, एक्स कोमा माइनस वाई हमारा आया। अब मैं बात करूं कि वाई एक्स के सापेक्ष, तो बताइए वाई एक्स कौन सी है, हमारी ये वाली वाई एक्स है, तो वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा, अगर ये आप हैं, ये आपका मिरर है, तो आपकी मिरर इमेज ये होगी। तो बिल्कुल आसान शब्दों में हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई। ठीक है मेरे भाई, दो पॉइंट हमारे हो गए। वापस मैं एक बार इसे रिपीट करता हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बता चुका हूं कि ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये तीसरा जो पॉइंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, सेंसिटिव है, ये ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है हमारे दिमाग में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करके बिल्कुल भूल जाइए, बस छोटा सा कंसेप्ट अपने माइंड में घुसा लीजिए कि अगर ये आप हैं और ये आपका मिरर है तो ये आपका इमेज है, ये आपका प्रतिबिंब हो गया, ये आप हैं, ये आपका मिरर है तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको ये याद रखना है। तो एक्स एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब हो जाएगा x माइनस वाई, वाई एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट यहां पर थोड़ा हटके है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु के सापेक्ष आपके प्रतिबिंब क्या होंगे। तो यहीं पर कि बिंदु p x y का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, तो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, ये आप है, ये आपका ये मिरर है सीधा ये यहां पर, और ये आपका प्रतिबिंब हो गया, तो आपकी प्रतिबिंब क्या होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, यही होगा माइनस एक्स माइनस को माइनस एक्स कोमा माइनस वाई। तो ये तीन बिंदु मैंने, तीन पॉइंट आपको यहां पर बताए हैं, अभी दो पॉइंट और मेरे बाकी हैं, वो पॉइंट भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे आप पास में जगह ज्यादा नहीं है, तो आप इसे एक बार पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इन्हें मिटाकर अगले पॉइंट बताता हूं, और साथ में इन्हें वापस एक बार रिवाइज भी करवाता हूं। तो देखिए हमारे तीसरा जो पॉइंट है, ये टॉपिक है, इसका नाम है बिंदु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब हम कैसे निकाल सकते हैं, हम सबसे पहले एक प्लेन लेते हैं एक्स एक्स वाई एक्स, टू डी प्लेन, इसके अंदर एक पॉइंट है, पहले चतुर्थांश में बिंदु P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक होते हैं x, y, दूसरे में माइनस एक्स कोमा वाई, तीसरे में माइनस एक्स माइनस वाई, और चौथे में x माइनस वाई, ये चार हमारे कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि आप यहाँ खड़े हैं और आपके सामने अपना मिरर है, तो आपकी इमेज जस्ट आपको वहाँ से उल्टी दिखाई देगी। यहाँ का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये हैं और ये आपका मिरर है, तो आपकी इमेज ये वाली है, आप ये हैं और ये आपका मिरर है, तो आपकी इमेज ये वाली है, बिल्कुल सीधा शब्दों में आपको याद रखना है। तो बिंदु पी का एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब होगा एक्स माइनस वाई, एक्स कोमा माइनस वाई, बिंदु पी का वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब होगा माइनस एक्स कोमा वाई, जो हमारे दूसरे का है। तीसरा है हमारा कि मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा बिंदु P का, तो ये होगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये तीनों बिंदु आपने नोट कर लिए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पर इसे नोट कर सकते हैं, फिर मैं अगले पॉइंट की यहां पर बात करूंगा। तो देखिए अब मैं इसे यहां से साफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, फिर मैं अगले पॉइंट की यहां पर बात करूंगा। तो देखिए ये हमारा हो गया क्लीन जस्ट। अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगले पॉइंट्स की, तो बिल्कुल सामने स्क्रीन पर अपना फोकस रखिए पूरा का पूरा। हमने बात कर ली एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष और मूल बिंदु के सापेक्ष। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि वाई इक्वल्स टू एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब क्या होगा, वाई बराबर एक्स के सापेक्ष, वाई बराबर एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब क्या होगा बिंदु P का। तो y बराबर x कहां से गुजरेगी, पहले तो ये देखिए हमारी जो y बराबर x है वो यहां से गुजरेगी बिल्कुल मूल बिंदु के बीच में से। जी हाँ, ये वाली रेखा हो गई हमारी y बराबर x। तो अगर ये y बराबर x है, तो ऊपर अगर आपका बिंदु P है,
तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी मुझे ये बताइए। अगर ऊपर हमारा बिंदु है तो इसके नीचे बनेगी इसकी इमेज, अगर नीचे है तो ऊपर बनेगी, सिंपल सा फंडा है। अगर ऊपर एक्स वाई है हमारा बिंदु तो इसकी मिरर इमेज हमारी बन जाएगी वाई कोमा एक्स, ठीक है मेरे भाई। बिंदु P की y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, y कोमा x होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, होना भी नहीं चाहिए। अब इसी तरीके से ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, और इसी से अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट भी इसी तरह बिल्कुल सा सेम है। बिल्कुल सेम कैसे है, पांचवा पॉइंट है हमारा वाई बराबर माइनस एक्स, ये था वाई बराबर एक्स, तो वाई बराबर माइनस एक्स हमारा क्या होगा, जी हाँ वाई बराबर माइनस एक्स से प्रतिबिंब हमारा क्या होगा। तो देखिए ये होगी हमारी वाई बराबर माइनस एक्स, ये है वाई बराबर माइनस एक्स, तो वाई बराबर माइनस एक्स से बिंदु P का प्रतिबिंब क्या होगा, के सापेक्ष बिंदु P का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए ये अगर नीचे है तो ऊपर बनेगा, और ऊपर है तो नीचे बनेगा, तो ये नीचे है इसमें तो इसको ऊपर हमारा क्या बनेगा, माइनस वाई, सॉरी हाँ माइनस वाई माइनस एक्स, ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब मैं इस पूरे टॉपिक को आपको एक बार वापस समझाऊंगा, इससे पहले आप इसे एक बार देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट आप और ले सकते हैं। अब देखिए अब बिल्कुल मैं वापस आपको आराम से इस टॉपिक को वापस आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए टॉपिक का नाम है हमारे इस पॉइंट का नाम है बिंदु का प्रतिबिंब। हम बिंदु का प्रतिबिंब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा सिंपल सा आपको एक प्लेन बनाना है, चारों चतुर्थांशों में चारों पॉइंट दर्शाने हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पॉइंट के। उसके बाद में सिंपल कि अगर ये आप हैं, ये आपका मिरर है तो ये आपकी इमेज होगी, इस फंडे को आपको काम में लेना है, इस ट्रिक को या इस तरीके को आपको यूज में लेना है ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो इसके बाद में पहला पॉइंट आता है कि बिंदु P का एक्स एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो ये हो गया एक्स एक्स प्रतिबिंब हो गया, ये बिंदु P का वाई एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो ये आप, ये आपका मिरर, ये आपकी इमेज, तो बिंदु P का y x के सापेक्ष प्रतिबिंब माइनस x कोमा y, बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, बिंदु P ये रहा मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा माइनस x माइनस माइनस x कोमा माइनस y, चौथा बिंदु P का y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो पहले y बराबर x कहां से गुजरेगा, y बराबर x बिल्कुल बीच में से यहां से गुजरेगा, तो y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब ऊपर है P xy तो नीचे हो जाएगा y x, ये इसका प्रतिबिंब होगा। चौथा पांचवा आता है कि y बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो माइनस एक्स बिल्कुल नीचे से गुजरेगा और इसमें क्या होगा हमारा, ये नीचे है माइनस एक्स माइनस कोमा माइनस वाई तो ऊपर हो जाएगा माइनस वाई कोमा एक्स। तो इस हिसाब से आप किसी भी बिंदु के प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। ये हमारे तीन पॉइंट हो चुके हैं, पूरा चैप्टर होगा आज, कुछ भी कर लीजिए, पूरा चैप्टर आज मैं करवा के रहूंगा। आप अपने सपने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए, बस रुकना नहीं है मेरे भाई, झुकना नहीं है किसी के भी सामने, अपने सपने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। किसी ने देखो आपको जो भी चीजें अपने सपने से दूर करती है ना, उन सब उन चीजों को पहले ही दूर कर दो अपने आप से, ताकि वो आपके सपने के और आपके बीच के रास्ते में कभी भी ना आए। चाहे वो फिर आपका फेसबुक कुछ भी हो यार, कुछ भी चीजें हैं, चाहे वो आपका कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर वो आपके सपने के बीच में आती है तो उसे दूर कर दो, उसे हटा दो, क्योंकि सपना पूरा होने के बाद आपके सभी सपने और पूरे हो सकते हैं। आपका एक वो सपना पूरा हो जाएगा तो जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हसीन होगी पूरी जिंदगी, हसीन रातें, हसीन शामें, सब कुछ होंगी आपके पास। तो कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखते रहिए, लाइक ठोकते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से चैनल को। तीसरे पॉइंट को नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट अभी मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, जल्दी कीजिए। चलिए फिर बात करते हैं हम हमारे चौथे पॉइंट की। अभी हमने हमारे तीन बिंदुओं के बारे में बात की, पहला हमने बिंदु के बारे में बात की, दूसरा हमने निर्देशांकों के बारे में बात की, और तीसरा बिंदु के प्रतिबिंब कैसे निकाल सकते हैं उनके बारे में बात की। अब हमारा पहले चौथा बिंदु की बात करें, उससे पहले हमारे सामने एक नोट आता है, इस नोट को आपको समझना जरूरी है। हमारा ये पहला नोट है, इस चैप्टर में आपके सामने कुछ नोट भी आएंगे, मैंने इन नोट को अलग रखा है पॉइंटों से, क्योंकि नोट उन पॉइंटों से कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है इनके अंदर थोड़ा सा, बाकी इनको भी मैं पॉइंट बना सकता था
लेकिन आपको इनको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर से बहुत बार क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले नोट की अगर हम बात करें तो पहला नोट है आपके सामने, मैंने इसकी थ्योरी कुछ थोड़ी सी लिखी है, इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सामने फोकस रखिए मेरे सामने। देखिए हमारा पहला नोट है, अक्षों को समांतर रखते हुए, मैं जैसे जैसे हिंदी बोलूंगा उसको लिख के भी समझाऊंगा आपको। देखिए अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 00 को, यानी आपको जो आपकी अक्ष हैं उनको समांतर रखना है और मूल बिंदु 00 को बिंदु एच के पर स्थानांतरित करना है। तो चलिए पहले यहां तक का काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर एक 2D प्लेन हम लेते हैं, ये रहा हमारा एक छोटा सा 2D प्लेन, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा वाई डैश। इस छोटे से प्लेन में हमने क्या किया कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 00, ये हमारा मूल बिंदु है 0.0। तो सबसे पहले हम अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को ट्रांसफर करेंगे बिंदु एच के पर। तो सबसे पहले समांतर रखना है हमें अक्ष को, तो ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा नया एक्स एक्स और ये हो गया हमारा नया वाई एक्स। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैंने पैरेलल रखा है, इनको समांतर रखा और यहाँ पर हमारा एक नया बिंदु आ गया, ये हो गया H, K, तो ये हमारा नए मूल बिंदु आ चुके। अक्षों को समांतर रखते हुए समांतर हमने रख लिया, बिंदु 00 को बिंदु एच के पर स्थानांतरित कर दे, स्थानांतरित हमने कर दिया। तब बिंदु P, इसके अंदर हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर P, X, Y, तो बिंदु P के नए निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या उसे हमने एक्स डैश वाई डैश मान लिया है कि एक्स डैश वाई डैश होंगे, तो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपसे, थ्योरी तो आपने देखी लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए वो आपसे क्या बोलेगा कि अक्षों को समांतर रखते हुए बिंदु मूल बिंदु 00 को बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु दे देगा आपको 2-4 पर स्थानांतरित कर दे, तब बिंदु P इसके कोऑर्डिनेट आपको देगा 10-20 जो भी है, के नए निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको x डैश और y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो आप कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में, इस पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले अक्षों को समांतर रखा, मूल बिंदु 00 को एच के पर स्थानांतरित किया और यहाँ पर एक बिंदु P है एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि बिंदु P की एक्स अक्षीय दूरी क्या होती है, बिंदु P की अक्ष अक्षीय दूरी जो होती है हमारी, ये दूरी होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक y दोस्तों, एक्स अक्ष से हमारी दूरी y होती है और y अक्ष से जो दूरी होती है ये दूरी होती है हमारी x, ये दूरी हमारी होती है यहाँ से यहाँ तक की x होती है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया मुझसे लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा अपनी नोटबुक में, जितना मन करे उतना बड़ा बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपको समझना एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली दूरी कौन सी हमारी, ये वाली हमारी एच है और ये वाली दूरी हमारी के है। जी हाँ, ये वाली दूरी हमारी k है। तो सीधा सिंपल है कि इस नए मूल बिंदु से अब हम दूरी देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये वाली दूरी हो जाएगी y डैश और ये वाली दूरी हो जाएगी हमारी x डैश। तो y डैश का मान क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीधा सिंपल, देखे y डैश का मान कितना होगा, y डैश का मान पहले कितनी दूरी थी पूरी, पहले ये दूरी y डैश भी कौन से पर होगी, y डैश की बिंदु P की x अक्षीय दूरी होगी ये भी हमारी नए वाले मूल बिंदु से, ओके उस पे बेस बात कर रहे हैं हम। तो देखिए y डैश बराबर पहले दूरी थी हमारी पूरी y और हमने कम कितनी करनी है माइनस k, तो y डैश बराबर y माइनस k होगी और x डैश बराबर x माइनस h हमारी हो जाएगी। तो ये दोनों बिंदु, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वापस एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को किसी दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर कर दीजिए और आपके पॉइंट पी के नए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, तो आपको करने के लिए सीधा सिंपल करना है, ये डायग्राम आप बनाना चाहे तो, लेकिन वहां पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में बस ये फिक्स होना चाहिए, आपको ये सेट करना है कि वाई डैश बराबर वाई माइनस के और एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एच होता है। कैसे होता है कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ये याद रहे ना रहे तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका आपको याद जरूर होना चाहिए क्योंकि ये रटना हो गया और वो समझना हो गया, तो समझिए पहले समझिए फिर उसे रटिए क्योंकि फिर ही फायदा होगा, वरना सीधा रटा हुई चीज़ तो कहाँ खो जाती है पता भी नहीं लगता।
ओके, तो इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे बिंदु के बारे में। तो ये था हमारा एक स्पेशल नोट। अब चौथे बिंदु की बात करते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको चौथा बिंदु हमारा समझाता हूं। तो चलिए बात करते हैं हमारे चौथे बिंदु के बारे में, चौथे पॉइंट के बारे में। तो चौथा पॉइंट है हमारा दूरी सूत्र। जी हाँ, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा और बहुत आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। आपने 10वीं क्लास में दूरी सूत्र पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में दूरी सूत्र के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो दूरी सूत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो दूरी सूत्र भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए दूरी सूत्र के बारे में चौथा पॉइंट है हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को हम कैसे पढ़ेंगे? दूरी सूत्र आप सोच रहे होंगे यार दूरी सूत्र तो बड़ा आसान है, बस सीधा सिंपल वो फॉर्मूला 10वीं वाला लगा देंगे और सीधा आ जाएगा। हाँ, आपका ये सोचना भी सही है, लेकिन क्या हम पागल थोड़ी हैं जो वही फॉर्मूले के लिए इस पॉइंट को ऐड करेंगे? नहीं भाई, क्योंकि इसमें कुछ प्लस भी है थोड़ा सा, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले दूरी सूत्र में हम पहली बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। दूरी सूत्र में मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें, तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, y1। दूसरा हमारे यहाँ पास यहाँ पर पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु है, बिंदु P और बिंदु Q। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में इनकी दूरी, इनकी डिस्टेंस ज्ञात करनी है जो PQ है। तो PQ अगर हमें ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमारा कौन सा सूत्र होगा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अंडर रूट लीजिए और यहाँ पर आपको x2 - x1 ² + y2 - y1 ² कर देना है। ये हो जाएगा आपका दूरी सूत्र। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका दूरी सूत्र। तो ये दूरी सूत्र को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। ये चलिए, ये आपका दूरी सूत्र हो गया। दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान। बिंदु P और बिंदु Q दो बिंदु है, इनके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 है। इनके बीच की दूरी अंडर रूट x2 - x1 + y2 - y2 से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, अगर मैं बात करूं ये हमारे कौन से बिंदुओं के बीच में थी या कौन से निर्देशांकों के बीच की दूरी थी, ये थी हमारे कार्तीय निर्देशांकों के बीच की दूरी, जो x, y हमारे कार्तीय निर्देशांक हैं उनके बीच की दूरी। लेकिन यदि आपको ध्रुवीय निर्देशांक दे दिए जाएं, कोई बिंदु P है आपका और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे r1, θ1, दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ पर Q, इसके कोऑर्डिनेट है r2, θ2। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला अब बताइए मुझे। क्या आपने ये पढ़ा था 10वीं में? भाई 10वीं में ये नहीं था, 11वीं में आपने शायद पढ़ा हो सकता है और पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से, लेकिन आपको याद है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये तो हर बच्चे को याद है लेकिन ये बहुत कम को याद है, तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो चलिए इसके बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम PQ की बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें, तो इनके बीच की दूरी हमारी होगी वही सेम अंडर रूट r1² + r2² - 2r1 r2 cos θ2 - θ1। देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल आसान फॉर्मूला है मेरे भाई, वापस समझने की कोशिश कीजिए इस फॉर्मूले को। क्या है हमारा फॉर्मूला? देखिए PQ बराबर अंडर रूट r1² + r2² - 2r1 r2 cos θ2 - θ1। तो ये हमारा दूरी सूत्र था चौथा पॉइंट। इस पर देखिए हमारे सभी पॉइंट जितने भी हम कर रहे हैं, बिंदु, निर्देशांकों के बीच में संबंध, प्रतिबिंब ज्ञात करना, दूरी सूत्र, नोट, या आगे भी जितने पॉइंट हम करेंगे, सभी के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसमें हम केवल पूरी थ्योरी करने वाले हैं और आगे आपको प्रैक्टिस सेट बड़ा दमदार वाला मिलेगा, आपके आग लगा देगा वो प्रैक्टिस सेट। ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को भी है ना मेरे भाई पूरा देखना, बस
मैं इतनी बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी देखना। देखिए मैंने आपसे पीछे भी आपसे कुछ वीडियो में बात की थी, क्या बात की थी मेरे भाई, वो बात यही की थी कि सबसे पहले आपको मुझ पर एक बार विश्वास करना होगा। पहले एक बार विश्वास करो और विश्वास करके आप एक वीडियो को, मेरे एक पूरे चैप्टर के वीडियो को, चाहे आप पीछे वाले मेरे को जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एपीजीपी है, उन वीडियो को देख लो, या फिर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो को पूरा देखो, एक बार नहीं दो बार देखो, तीन बार देखो, पूरे नोट्स बनाओ इसके, और जब तक समझ में ना हो छोड़ो मत। पहले तो पहले समझो पूरे चैप्टर को, नोट्स बनाओ, और उसके बाद में किसी भी बुक से क्वेश्चन करके देखो। अगर आपका एक चैप्टर पूरा क्लियर ना हो जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूं, ये विक्रम सिंह आपको गारंटी दे रहा है इस चीज का, एनडीए में, एयरफोर्स नेवी में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट्स की नहीं कर रहा कि मैं इंग्लिश में आपको सिलेक्शन दिला दूंगा या एयरफोर्स में दिला दूंगा, उसमें दिला दूंगा, नहीं, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स मैं जानता हूं, मैं पढ़ाता हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो इस चैप्टर को पूरा करो, इस वीडियो को पूरा देखो, नोट्स बनाओ, बताओ कि और कितना मैं बेहतर आपके लिए कर सकता हूं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करो, और इसको नोट करो अभी इसी वक्त, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पॉइंट नंबर 4 दूरी सूत्र। इसके बाद में हम हमारे दूसरे नोट की बात करेंगे, फिर पांचवें पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए लेके चलता हूं सीधे आपके पास नोट की ओर, इसे नोट कर लीजिए पहले। तो फिर चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे नोट के बारे में। हमने पॉइंट 4 के बारे में बात कर ली, अब हमारा दूसरा नोट है। पहला नोट अभी हमने बात की थी वो केंद्र वाला, ये हमारा दूसरा नोट है। दूसरा नोट के बारे में क्या है, पूरी जो जानकारी है वो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सामने फोकस रखिए। देखिए ये नोट बहुत काम आएंगे आपके, बीच बीच में क्वेश्चन में बहुत बार काम आएंगे, इसलिए मैं स्पेशल नोट ही आपको नोट करवाता जा रहा हूँ। तो जल्दी से इसे भी नोट कीजिएगा मेरे साथ, पहले समझ लीजिए एक बार। देखिए नोट में मैंने आपके सामने चार डायग्राम बनाए हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा सम चतुर्भुज, तीसरा है आयत, और चौथा है वर्ग। ये चार डायग्राम आपके सामने हैं। इनके बीच में जो आपका जो इनका रिलेशन होता है अलग अलग, इनमें हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट में ऐड किया है। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है कंडीशंस, वो आपको ध्यान रखनी है। अगर समांतर चतुर्भुज हमारे सामने होता है तो समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं समान होती हैं। समांतर भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं, समांतर भुजाएं समान होती हैं। तो हम कहें तो यहाँ पर हमारा होगा ए बी बराबर, इसकी समांतर भुजा हो गई हमारी सी डी, तो ए बी बराबर सी डी हो गया, ठीक है। दूसरी हमारी भुजा हो गई यहाँ पर ए डी बराबर बी सी, तो हमारी समांतर भुजा यहाँ पर हो गई समान हो गई दोस्तों, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसके अलावा विकर्ण की अगर हम बात करें तो विकर्ण हमारा ए सी और बी डी, ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी होता है। जी हाँ, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, केवल समांतर भुजाएं समान होती हैं। बात करें सम चतुर्भुज में, तो सम चतुर्भुज में क्या केस होता है इनकी भुजाओं के बीच में, तो इसमें होता है हमारा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जी हाँ, क्या होगा सम चतुर्भुज में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब हमारी सभी भुजाएं बराबर होंगी सम चतुर्भुज के अंदर, बिल्कुल समान होंगी सभी भुजाएं। मान लीजिए डायग्राम उसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ आप उसको फोकस करना है, आपको वो आपकी बातें आपको यूज आने वाली है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सम चतुर्भुज में हमारी सभी भुजाएं समान होती हैं, लेकिन जो विकर्ण है ए सी नॉट इक्वल्स टू वी डी होगा यहाँ पर भी हमारा। सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज में किसी में भी हमारे विकर्ण समान नहीं होंगे, समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं समान होंगी और सम चतुर्भुज में हमारी सभी भुजाएं समान होंगी। अगर हम बात करें आयत की, देखिए अब आयत में भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम कुछ कंडीशन होती हैं। इसमें भी हमारा ये हो गया ए बी सी और डी, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा आयत की अगर हम बात करते हैं, तो आयत के अंदर हमारी ए बी बराबर सी डी, हमारी समांतर भुजाएं समान होंगी, इसी तरह हमारी ए डी बराबर बी सी होगी, समांतर भुजाएं समान हो गई। अगर अब आयत में हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारे यहाँ पर जो ए सी बराबर बी डी होते हैं,
देखिए यही अंतर है समांतर चतुर्भुज और आयत के बीच में। समांतर भुजाएं दोनों में समान होती हैं, इसमें भी समान होंगी, इसमें भी समान होंगी, लेकिन इसमें विकर्ण कभी भी समान नहीं होगा और इसमें विकर्ण हमेशा समान होगा। तो ये आयत और समांतर चतुर्भुज के बीच में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो वर्ग में भी यही सेम होगा, ए बी सी डी हमारा वर्ग हो गया और इस वर्ग में हमारी भुजाएं जैसे समचतुर्भुज में हुई, यहीं पर भी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी हमारे वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बिल्कुल समान होंगी। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण ए सी बराबर बी डी होगा हमारा यहाँ पे। अब देखिए मैंने चारों डायग्राम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझा दी है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ इस बात को। देखिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग, चार केस हैं आपके सामने। समान चतुर्भुज कोई सा भी हो, देखो चतुर्भुज की बात करें सिंपल सी, चतुर्भुज में कभी भी विकर्ण समान नहीं होंगे, आयत और वर्ग में विकर्ण समान होंगे बस, बाकी सब कुछ सेम है। समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजाएं समान होंगी, आयत में भी समांतर भुजाएं समान होंगी, विकर्ण समांतर चतुर्भुज में समान नहीं होंगे और आयत में हो जाएंगे। सम चतुर्भुज में भुजाएं सभी समान होंगी, विकर्ण नहीं होंगे, और वर्ग में भुजाएं समान होंगी और विकर्ण भी समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन चारों को नोट करेंगे अच्छे से और इन्हें याद भी रखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ काम आएगा, कहाँ ये पागल ये चीज़ समझा रहा है। देखो मेरे भाई ये चीज कहां काम आएगी वो बताता हूं। मान लीजिए उसने आपको चार यहां पर एक दे दिया कि किसी समांतर चतुर्भुज के तीन निर्देशांक, किसी समांतर चतुर्भुज के आपको तीन निर्देशांक दे देगा ए बी सी, ठीक है, और डी के निर्देशांक पूछ लेगा, तो क्या करोगे? जब आपको ये रिलेशन पता होगा ना तभी आप उसका यूज कर पाओगे उन तीनों का, वरना कुछ यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही वर्ग समान सम चतुर्भुज में, ऐसे ही आयत में और ऐसे ही वर्ग में वो आपको तीन कोऑर्डिनेट तीन निर्देशांक उनके कॉर्नर के दे सकता है, चौथा आपसे पूछ सकता है, या फिर चारों देख के उनके बीच में कोई रिलेशन पूछ सकता है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए जैसे आपको चारों दे दिया ए बी सी डी, आपसे पूछ लेगा कि इसके बीच में दूरी बताओ, ये बताओ, रिलेशन बताओ, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इस हिसाब से ये नोट आपको बहुत काम आने वाला है, तो जल्दी से इस पूरे नोट को नोट कर लीजिए, अच्छे से इसे समझ गए होंगे आप। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है 10 ग्रुपों में तो जल्दी से इस वीडियो को 10 ग्रुप पे अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंच जाए और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का भला हो सके। क्योंकि जो करेगा भला उसका तभी तो होगा भला, सीधा नियम है प्रकृति का, जो जितना देगा उसको उतना ही मिलेगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम हमारे अगले पॉइंट के बारे में बातें करते हैं दोस्तों। तो फिर चलिए बात करते हैं अब हमारे पांचवें बिंदु के बारे में, पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा हमारा पॉइंट है दोस्तों विभाजन बिंदु। जी हाँ, विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विभाजन बिंदु एक ऐसा पॉइंट है यार जो बहुत से क्वेश्चन के बीच में ऐड कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को एक स्ट्रॉन्ग बना देता है, एक अलग ही रूप दे देता है क्वेश्चन को। तो इस विभाजन बिंदु को हम ऐसे बक्सेंगे नहीं, विभाजन बिंदु की ऐसी की तैसी ऐसी करेंगे कि इसको समझ में नहीं आएगा कि विभाजन बिंदु क्यों बना था साले तू। तो चलो विभाजन बिंदु की ऐसी की तैसी कर लेते हैं पहले। तो अब विभाजन बिंदु की बात करते हैं तो विभाजन बिंदु में हमारे तीन प्रकार के विभाजन बिंदु आते हैं। देखिए पहले हम बात करें, पहला हमारा विभाजन बिंदु आता है अंतः विभाजन। जी हां, अंतः विभाजन पहला कौन सा होगा? अंतः विभाजन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आ जाएगा यहां पर बाह्य विभाजन, दूसरा हमारा होगा बाह्य विभाजन। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा होगा यहां पर मध्य विभाजन। तो तीनों की बात हम इस पॉइंट में करेंगे, अंतः विभाजन, मध्य विभाजन, बाह्य विभाजन, तीनों विभाजन की बात इस पॉइंट में करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर को खत्म करके ही छोड़ेंगे चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि बात हमारे सपने की है और जहां सपने की बात आती है वहां हम किसी की नहीं सुनते, दुनिया की क्या, हम तो अपनी भी नहीं सुनते। भाई डायलॉग बढ़िया बन गया, पर जो भी है सच बात है भाई, जहां सपने की बात हो वहां किसी की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि सपना हमारा अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। और अपने सपने के लिए मेहनत करना सीखो, दूसरों की छोड़ो, सब काम को छोड़ दो, क्योंकि बात आपके सपने की है। सपने पूरे होंगे तभी तो हम अपने आप को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सपना ही एक वो है जिसके लिए हम वास्तव में जी रहे हैं, जिसके लिए हम जिंदा हैं। और वो एक सपना
आ एक ऐसा सपना है आप, सॉरी सपना भी आपका ऐसा है यार जो आपको वास्तव में उसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऑफिसर बनने की सोची है, एक सोल्जर बनने की सोची है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। मान के चलिए कल को आप ऑफिसर बन गए, और भगवान करे कि आप जरूर जरूर बने, क्योंकि देख मैं नहीं चाहता किसी का सपना टूटे, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। और आपका सपना जब पूरा हो जाएगा, आप एक ऑफिसर बन गए मान के चलिए, तो ऑफिसर बनने के बाद आपको रोजाना सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। क्या आप अब 4 बजे उठते हैं? तो आप ये सोच के चलिए ना कि आप अभी एक ऑफिसर बन चुके हैं, और रोजाना 4 बजे उठिए। रोजाना आपको अपनी ट्रेनिंग में जाना है, अपनी ड्यूटी पर जाना है, क्यों सही है ना। एक सोल्जर बनना है तो अभी एक सोल्जर बन जाओ ना, रोजाना सुबह 4 बजे उठो, रोजाना अपने काम जो सोचा है, जो टारगेट बनाया, उसे पूरा करके ही सोओ, वरना सोना ही नहीं है। गई नींद भाड़ में, आज तो काम करके ही सोएंगे, वरना सोएंगे नहीं। लेकिन ये नहीं है कि एक दिन पूरी रात पढ़ लिया तो दूसरे दिन जय राम जी की, नहीं भाई, पूरा जो करना है ना वो पूरा ही करो। आपका जो सपना है उसके लिए अच्छे से मेहनत करो। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे विभाजन बिंदु में, हमारे पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट लगा लो जल्दी से, बाह्य विभाजन। विभाजन बिंदु में आप लगा लीजिए पहला पॉइंट, कौन सा है आपका? पहला पॉइंट आपको लगाना है अंतः विभाजन। पहला है आपका अंतः विभाजन, नोट करो जल्दी से, अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन की अब हम बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन कैसे होगा? देखिए, आपके पास यहां पर एक पॉइंट है पी, नो डाउट इस पॉइंट पी के आपके पास कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके निर्देशांक है भाई x1 y1। और यहां पर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु हैं, बिंदु P है, इसके निर्देशांक है x1 y1, बिंदु Q है, इसके निर्देशांक है x2 y2। इस दोनों की मिलाने वाली जो रेखा है, जो PQ है, दूरी हम निकाल सकते हैं, अभी हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, वहां से निकाल लेंगे। लेकिन हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा ही बिंदु, एक बिचौलिया कोई भी मान लो भाई, एक तीसरा ही बिंदु यहां पर जो R है, ये तीसरा बिंदु इन दोनों को विभाजित कर देता है। बीच में से कहीं से भी, कोई जरूर नहीं है, देखो अगर वो बिल्कुल बराबर बीच में से करेगा, मान लो आपके दो टुकड़े करे जाएं, तो आधे आधे बिल्कुल बराबर टुकड़े होते हैं आपके, तब तो वो मध्य विभाजन कहलाएगा। लेकिन आपका बिल्कुल बराबर ना हो, आधा आधा, मान लो यहां गर्दन काट दी तो नीचे ज्यादा रह गया, समझ रहे हो ना, एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पर दो बिंदु है हमारे, बिंदु पी और बिंदु क्यू, इनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। इन दोनों को बीच में से एक बिंदु आर विभाजित करता है किसी भी अनुपात में। लेकिन अगर वो अनुपात दोनों का 1:1 होता है, या वो बिल्कुल बीच में से विभाजित करता है, तो वो मध्य विभाजन हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन अभी हम मध्य विभाजन की नहीं, अंतः विभाजन की बात कर रहे हैं। तो यहां से इसको विभाजित कर दिया बिंदु आर ने, किस अनुपात में? m1:m2 में। जी हाँ, m1:m2 में इस बिंदु R ने इनको विभाजित किया, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। x, y किसके निर्देशांक है? ये बिंदु R के हैं, किसी और के नहीं, समझ नहीं ले रहे, बिचौलिए के हैं, यही है सबसे पावरफुल। तो अब आप इस बिंदु R के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो आपको ज्ञात करना है। पहला यही है हमारा। वापस बता दूं आपको, बात कर रहे हैं हम विभाजन बिंदु के बारे में, और विभाजन बिंदु में हमारा जो पहला है हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन में हमारे पास दो पॉइंट है पी और क्यू, जिसके निर्देशांक है x1 y1 x2 y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु आर, तीसरा बिचौलिया, बीच में से विभाजित कर देता है m1 m2 अनुपात में। तो इस बिंदु आर के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमने मान लिया कि इसके निर्देशांक x, y है, तो अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्स का मान हमारे पास क्या होगा? x का मान हमारे पास होगा m1 x2 plus m2 x1, m1 plus m2 x1। देखिए, वापस देखिए, x की वैल्यू हमारे पास होगी m1 x2। सीधा आपको जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, उस हिसाब से करना है, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। सिंपल, ऐसे ही आपको y की वैल्यू m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2
एम टू, तो इस हिसाब से आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, वापस एक बार आप समझेंगे, इसे वापस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे, आपके पास दो बिंदु हैं P और Q, बीच में तीसरा R बिचौलिया, इसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए हैं। तो x, y हमने इसे माना है, तो इसके निर्देशांक हमें x, y का मान निकालना है। m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है ये, तो देखिए x बराबर क्या होगा, m1 x2, m1 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर तो इसको इधर, उसी से x वाले से, तो m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, ये x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इससे, और y के m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 से हमारे y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बिल्कुल सेम है, x वाले में x का मान रख देना, y वाले में y का मान रख देना, बाकी बिल्कुल पूरा सेम फॉर्मूला है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और इसको पूरा समझ गए होंगे आप, नहीं समझा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसकी एक क्लिप अलग से भी डालूंगा तो आप उससे भी देख के समझ सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, अंतःविभाजन क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट देगा x1 y1 x2 y2, कोई भी बिंदु दे देगा निर्देशांक, और यहां पर आपको बोलेगा कि बिंदु r इन दोनों को 3:2 में विभाजित करता है या किसी भी अनुपात में विभाजित करता है, तो आप x और y का मान निकालो। तो आपको m1 का m2 का x1 x1 x2 y1 y2 का मान दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना है और उनका मान निकाल लेना है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु के बारे में जो है हमारा बाह्य विभाजन। जी हाँ बाह्य विभाजन, चलिए पहले मध्य विभाजन की बात करेंगे, तो पहले अंतःविभाजन को जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां पर मध्य विभाजन की पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि पहले अंत फिर मध्य फिर बाह्य, इस हिसाब से बात करेंगे हम। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, तो फिर अब इसका मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं इसको। तो ये पहला हमारा गया यहां से, ठीक है मेरे भाई, तो ये यहां से हो गया मेरा ये खेल खत्म। अब इसी को वापस समझाऊंगा मैं पूरे को, इसी तरीके से इसका भी होगा। तो दूसरा नंबर आप यहां पर अब डाल दीजिए, यहां पर दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, दूसरा नंबर ये होगा मध्य विभाजन। जी हां मध्य विभाजन, तो मध्य विभाजन की अब हम इसमें बात कर रहे हैं। अंतर विभाजन को भी आपने समझा, तो अब मेरी ओर बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मध्य विभाजन की। मध्य विभाजन में भी देखिए सब कुछ बिल्कुल सेम ही होगा जैसे अंतर विभाजन में होता है, उसमें भी बिल्कुल सेम ही है। तो मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सामने फोकस रखिए। मध्य विभाजन में भी देखिए सेम, हमारे पास मान लीजिए एक यहाँ पर एक पॉइंट है पी, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्यू, वैसे ही सेम हमारे पास दो पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये हमारे पास दो बिंदु है, इनको ये मिलाने वाली रेखा हो गई, और इस रेखा को बीच में एक बिंदु P, सॉरी एक बिंदु R आता है यहाँ पर, और इन दोनों को विभाजित कर देता है। अंतर्विभाजन में भी यही सेम था, लेकिन अंतर्विभाजन में वहाँ पर वो M1 M2 अनुपात में उसे विभाजित कर रहा था, और यहाँ पर किसमें करेगा, M1 M2 की जगह ये बिल्कुल मध्य से यानी बिल्कुल बीच में से विभाजित करेगा, तो हमें M1 M2 की आवश्यकता ही नहीं होगी, इसका सीधा हो जाएगा 1:1 में विभाजित करेगा। तो हमें R के निर्देशांक निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट निकालने होंगे कि R के निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों। तो हमारे पास M1 M2 की वैल्यू पहले से है, तो हम जो अंतर्विभाजन में हमने जो फॉर्मूला निकाला था, हम वहां पर M1 M2 की जगह 1:1 जब रखते हैं, तो हमारे पास सीधा सा सिंपल सा एक आसान सा फॉर्मूला बन के आता है, और ये बहुत ही आसान है। क्या है ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर एक्स का मान हमारा होगा x1 plus x2 बटा 2, क्या होगा x1 plus x2 बटा 2, तो x का मान आप ऐसे निकाल सकते हैं, और इसी तरह आप y का भी निकाल सकते हैं, y बराबर y1 plus y2 बटा 2। तो इसी प्रकार से आप x और y के कोऑर्डिनेट निर्देशांक बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं। अंतर्विभाजन में आपको बस m1 m2 लेना है, और मध्य विभाजन में m1 m2 की जगह 1:1 हो जाएगा। तो अंतर्विभाजन और मध्य विभाजन दोनों आपके बिल्कुल ही क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप जल्दी से इस मध्य विभाजन को भी नोट कर लीजिए, फिर हम हमारा जो तीसरा पॉइंट है विभाजन बिंदु में, तीसरा पॉइंट क्या है, बाह्य विभाजन। तो अब हम
भाई विभाजन की बात करेंगे, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी आप मेरा हौसला बढ़ाइए तो मैं आपका तुरंत हौसला बढ़ा दूंगा। देखिए, अपने सपने के लिए मेहनत करते रहिए और जल्दी से इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो फिर हम बात करते हैं हमारे बाह्य विभाजन के बारे में। नोट कर लिया आपने, तो चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं और बात करते हैं हम बाह्य विभाजन की। इस बार इसे नहीं मिटा लेंगे डायग्राम को, इसे यही यूज करेंगे। पहला हुआ अंतः विभाजन, दूसरा हुआ मध्य विभाजन, तीसरा है हमारा अब बाह्य विभाजन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए हमारा यहाँ पर बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन कैसे होगा, देखिए बाह्य विभाजन कैसे होगा हमारा, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका समझाता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है वो फोकस कीजिए। देखिए, एक पॉइंट पी है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा बिंदु है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अंतर विभाजन में बिंदु बीच में से करता है, कहीं से भी किसी भी अनुपात में। मध्य विभाजन में बिल्कुल मध्य से विभाजित करता है, लेकिन बाह्य विभाजन में कोई बाहर का एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु R है और इसके x, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये बाहर से उसे विभाजित कर रहा है, बाहर से उसे विभाजित करेगा। मान लीजिए ये हमने एक रेखा मान ली, तो ये इसे बाहर से विभाजित कर रहा है, वही हमारे M1 अनुपात M2 में। तब हमें ये बिंदु हमारा बाहर है और वो बाहर से विभाजित कर रहा है, तब हम निकालेंगे कि हमारे X और Y का मान इसमें क्या होगा। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया ना, आपने एक फॉर्मूला समझ लिया, वो अंतः विभाजन वाला आप कर लीजिए, M1 X2 M2 X1 / M1 M2 वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसी में आप x की जगह y वाला रख देंगे तो y का आ जाएगा, उसी में आप m1 m2 की वैल्यू 1 रख देंगे तो मध्य विभाजन वाला आ जाएगा, और इसी के अंदर अगर हम m1 m2 ये रखेंगे और ये मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा। तो अब इस वाले की हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पर x और y का मान हम कैसे निकाल सकते हैं। x का मान हमारा यहां पर होगा m1 x2 - m2 x1 / m1 - m2। M1 माइनस M2 हो जाएगा यहाँ पर, M1 - M2। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सेम है जो हमने अंतर विभाजन में किया था, बिल्कुल सेम सूत्र है, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस था उसमें और इसमें हमने केवल माइनस कर दिया, तो बिल्कुल पूरा सेम है। Y का भी ऐसे ही हो जाएगा, M1 Y2 - M2 Y1 upon M1 - M2। इस हिसाब से आप y के मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने बात की हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में, पांचवा पॉइंट था हमारा विभाजन बिंदु। जी हाँ, विभाजन बिंदु। सबसे पहले हमने बात की पहले पॉइंट में बिंदु के बारे में पॉइंट, दूसरे में हमने निर्देशांकों के संबंध के बारे में बात की, फिर हमने एक नोट की बात की, उसके बाद में हमने बिंदु के प्रतिबिंब की बात की, उसके बाद में हमने दूसरे नोट की बात की, उसके बाद में हमने बात की थी दूरी सूत्र, चार हमारे पॉइंट, फिर हमने पांचवें पॉइंट में हम बात करें विभाजन बिंदु के बारे में। किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का तीन प्रकार से विभाजन होता है, अंतः विभाजन, मध्य विभाजन और बाह्य विभाजन। तो तीनों के हमारा बिल्कुल सेम ही सूत्र है तीनों का, बस थोड़ा थोड़ा मामूली सा चेंज है। अगर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल पूरा समझ में आ गया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, तो इस पूरे चैप्टर को हम आज ही इसी वीडियो में पूरा करने वाले हैं। ये वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इस पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को आज खत्म करके ही रहेंगे मेरे भाई, क्योंकि बार बार वीडियो ये मतलब थोड़ा अजीब लगता है और आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। एक बार बैठिए माइंड पूरा सेट करके और 2 घंटे में पूरे चैप्टर को खत्म करके रख दीजिए। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए बाह्य विभाजन को, फिर मैं बात करूंगा आपके सामने हमारे छठे पॉइंट की। तो नोट कर लीजिए, फिर छठे पॉइंट की हम बात करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अरे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो, फिर मैं आपके लिए जल्दी 1-2 दिन में आपके पास लाइव टेस्ट लेके आने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि मैं आज शाम को ही लेके आ सकूं। लाइव टेस्ट आएगा तो पहले आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन दूंगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मिशन एनडीए 2020 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन करो और उसे करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिफेंस स्टडी जोन का, तो उस लिंक को जल्दी से आप क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर आपको बहुत सारी पढ़ने वाली चीजें मिलेंगी डिफेंस से रिलेटेड, और जो पीडीएफ बनाता हूं मैं जो भी एक दो तो वो सारी उसमें डालता रहूंगा, और आपको अपडेट भी वहां पर मिलती रहेंगी सभी क्लासों की, तो आप इसे अब नोट कर लीजिए और मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह फॉलो कीजिए, और हमारा एक और चैनल है वर्दी के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपने इसे इतना प्यार दिया तो उसे भी थोड़ा सा प्यार और दे दीजिएगा। बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट की, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे सभी भाई, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए तो फिर बात करते हैं अब हमारे छठे पॉइंट के बारे में। इस चैप्टर में अब तक हम हमारे 5 पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं और 2 नोट की बात कर चुके हैं। पहले पॉइंट में हमने बिंदु के बारे में बात की, दूसरे में हमने हमारे निर्देशांक ध्रुवीय और कार्तीय के बीच संबंध या उनको एक दूसरे में परिवर्तन करना सीखा, उसके बाद में हमने एक नोट की बात की, तीसरे में हमने बिंदु के प्रतिबिंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो जाना, चौथा हमने दूरी सूत्र, और पांचवा विभाजन, जो बिंदु है विभाजन होता है 3 तरीके से, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन, ये सारे हमने जान चुके हैं। अब हमारा जो 6th पॉइंट है वो है दोस्तों रेखा द्वारा विभाजन। जी हाँ, रेखा द्वारा विभाजन। तो रेखा द्वारा विभाजन जो हमारा 6th बिंदु है ये भी 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से कैसे होता है, देखिए 2 प्रकार से, एक तो किसी रेखा द्वारा विभाजन और एक अक्षों द्वारा विभाजन, तो ये 2 प्रकार से होगा। तो इस पर आप बिल्कुल सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए, बिल्कुल अपने कानों में एयरफोन और सामने नोटबुक रखिए, साइड में जितने भी आपको जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं उनको दूर कीजिए, क्योंकि बात आपके सपने की आ चुकी है मेरे भाई। जब बात सपने की हो तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो चलिए सब कुछ भूल कर शुरुआत करते हैं अपने 6th पॉइंट की। रेखा द्वारा विभाजन में जो हमारा पहला पॉइंट है इसको समझने की कोशिश कीजिए, पहले हम मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूं। देखिए मान के चलिए कि आपके पास 2 बिंदु है, ये है बिंदु P और ये दूसरा बिंदु है आपके पास Q। बिंदु P के हमारे कोऑर्डिनेट है X1 और Y1, और बिंदु Q के हमारे जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो है X2, Y2। ये हमारे पास 2 बिंदु हो चुके हैं। इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है वो PQ है, बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए P तथा Q दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक अदर रेखा, कोई अलग ही रेखा, उस रेखा का समीकरण है मान लीजिए AX+BY+C=0। ये एक रेखा है हमारे पास, और ये रेखा इस PQ को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2D में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई 2 बिंदु है, बिंदु P जिसके निर्देशांक X1, Y1, बिंदु Q जिसके निर्देशांक X2, Y2 है, को एक रेखा AX+BY+C=0 किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये ज्ञात करने के लिए आपके पास बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मेट, एक फॉर्मूला होता है, तो वो क्या होता है देखिए, अनुपात, वह अनुपात विभाजित करने का अनुपात, ये रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात हमारे पास होगा AX1+BY1+C/AX2+BY2+C। ये सूत्र आप यहां पर लगाकर वो अनुपात बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये सूत्र मैंने यहां पर लिख दिया है, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए और इसे समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। जी हाँ, पहले समझिए और फिर उसे याद कर लीजिए। देखिए समझने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कंसेप्ट आपको समझना है कि हमारे पास 2 बिंदु हैं P और Q, इसके कोऑर्डिनेट X1, Y1, इसके X2, Y2, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको एक तीसरी रेखा, जो तीसरा है AX+BY+C=0, ये रेखा का समीकरण है, तो ये रेखा इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, वो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, वो अनुपात होगा AX1, ऊपर हम पहले बिंदु के कोऑर्डिनेट रखेंगे जो XY है, उसकी जगह पहले के कोऑर्डिनेट AX1+BY1+C, नीचे AX2+BY2+C, इससे वो अनुपात हमारा आ जाएगा। तो
जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा पहला है रेखा द्वारा विभाजन के अंदर। छठा हमारा ये पॉइंट है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इसे अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इसका लिंक जल्दी से। चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपको हैशटैग डबल सपोर्ट करूंगा दोस्तों। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे तरीके की, रेखा द्वारा विभाजन में। अब हमारा एक दूसरा तरीका, पहले तरीके में हमने बात की रेखा द्वारा विभाजन हो चुका, अब दूसरा है देखो, अभी मैंने बताया अक्षों द्वारा विभाजन। तो वही सिंपल है कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इनको मिलाने वाली रेखा PQ हो गई। अब इस रेखा को हमारे जो प्लेन है, समझ के चलिए, मान लीजिए अपने दिमाग में एक इमेजिनरी आप डायग्राम तैयार कीजिए पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में डायग्राम जब बनेगा तो वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, एग्जाम में हम किसी भी क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सोल्व करेंगे तो हम वहां पर जितने क्वेश्चन आएंगे उसके 50% भी नहीं कर पाएंगे। हमें मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ती है, और जो कैलकुलेशन माइंड नहीं कर सकता उसे हमारा हाथ करेगा, उसे हमारा पेन करेगा दोस्तों। तो पहले माइंड में आप इमेजिनरी जो डायग्राम है उनको तैयार करना सीखिए। तो अब देखिए यहां पर P और Q, दिमाग में सोचिए कि P और Q को हमारे अक्ष काटते हो मान लीजिए, तो ये रेखा कैसे होगी। मान लीजिए ये रेखा बिल्कुल ऐसे है, हमारा प्लेन क्या होता है, हमारा प्लेन ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए ये P हमारा यहां है और ये P Q यहां है, P ऊपर है Q नीचे, तो इसको तल ये प्लेन काट रहा है, क्या काट रहा है, तल इसको प्लेन काट रहा है। तो हम यहां पर बात करें कि एक्स अक्ष किस अनुपात में काटेगा और वाई एक्स किस अनुपात में काटेगा। तो इस रेखा का ये अनुपात जो हम निकालें कि द्विविमीय में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है तथा Q जिसके निर्देशांक x2, y2 है को मिलाने वाली रेखा का अक्षों द्वारा विभाजन, का अक्षों द्वारा विभाजन। तो यहां पर हमारा दूसरा है अक्षों द्वारा विभाजन, नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, अक्षों द्वारा विभाजन। और इसके अंदर पहला हमारा है कि अक्ष अक्ष द्वारा विभाजन, इस रेखा का अक्ष अक्ष द्वारा विभाजन विभाजन किस अनुपात में होगा, अक्ष अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा। तो वो अनुपात हमारा क्या होगा, वो अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, वो अनुपात हमारा बिल्कुल ही सिंपल होगा, जी हाँ बिल्कुल आसान होगा वो अनुपात। अनुपात क्या होगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा -y1/y2। देखिए वापस समझिए, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके पास पहला हमारा फॉर्मेट था कि रेखा द्वारा विभाजन, टोटल हमारी हेडिंग है रेखा द्वारा विभाजन, लेकिन रेखा द्वारा विभाजन में भी दो पॉइंट है हमारे। पहला कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरी रेखा उसे विभाजित करती है, तो वो अनुपात हम निकालें, ठीक है। उसके लिए होगा ax1+by1+c/ax2+by2+c, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है कि अक्षों द्वारा विभाजन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि अक्ष हमारे काटते हैं तो वो अक्ष किस अनुपात में उन्हें विभाजित करते हैं। तो वो अनुपात निकालने के लिए हमें, देखिए, अक्षों द्वारा विभाजन में पहला आएगा अक्ष अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा, -y1/y2, सिंपल है बिल्कुल, -y1/y2। और ऐसे ही आप यहां पर दूसरा लिख दीजिए, y अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस सिंपल, आप थ्योरी सेम है पूरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, -x1/x2। तो आप ये ध्यान रखिएगा और जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा छठा पॉइंट था रेखा द्वारा विभाजन, ये पूरा हो चुका है छठा। अब हम हमारे सातवें पॉइंट की बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। हाँ देखिए,
हर एक चैप्टर में हर एक पॉइंट की बहुत अहमियत होती है। जैसे मैंने आपको चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, याद होगा आपको शायद, बिंदु बताया था। उस बिंदु में मैंने आपको चार बातें पांच बातें ही बताई थी, लेकिन उस पॉइंट की कितनी अहमियत है वो इस चैप्टर को आगे पढ़ने पर हमें पता लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो हमने एक्स वाई की बात की, आर थीटा की बात की, अक्ष अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी की बात की, भुज कोटि क्या होती है उसकी बात की थी, हमने केवल यही बात की थी। और वही चीजें पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट हो रही हैं कि एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, ये वो फलाना ढिमका, सारी चीजें हमारी बार बार रिपीट होती हैं। तो पूरे चैप्टर में हर एक पॉइंट का अलग ही महत्व होता है, तो वो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड होता है। और जब वो कनेक्टेड चीजें हमारी बीच में से कोई लीकेज हो जाता है, कोई पॉइंट हमारा गायब हो जाता है, तो पूरे चैप्टर की ऐसी की तैसी होके रख जाती है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, पूरे हर एक पॉइंट को बिल्कुल दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि एक एक पॉइंट को करेंगे तभी पूरा चैप्टर खत्म होगा। और पूरे चैप्टर बिल्कुल एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब पूरे एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगले प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक पॉइंट पर मैं बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो अभी तो आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे सातवें पॉइंट की बात करते हैं, रेखा द्वारा विभाजन के दोनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और मैं अगला चैप्टर पे किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए फिलहाल, तो फिर सातवें पॉइंट की बात करते हैं। चलिए हमारा जो सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट है हमारा दोस्तों ज्यामितीय बिंदु। देखिए हमारा जो सातवां वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पूरे चैप्टर की जड़ है। अगर मैं कहना चाहूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सातवें पॉइंट में हमारे वो पॉइंट है, वो टॉपिक है दोस्तों, जो इस पूरे चैप्टर में महाघमासान मचा के रखते हैं, और जहां से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि दूरी सूत्र सबको पता होता है, विभाजन बिंदु सबको पता होता है, लेकिन ये उनके बिना अधूरे होते हैं। वो पढ़ेंगे तभी हमें ये आ सकते हैं, वरना ये नहीं आ सकते, क्योंकि वो कंसेप्ट है और ये उसका स्ट्रॉन्ग वाला कंसेप्ट है। वो आएगा तभी हमें ये आ सकता है, वरना ये नहीं आ सकता। तो विभाजन जो बिंदु है, इस विभाजन बिंदु के हम हमारे चार पॉइंटों को कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट केंद्र, केंद्र क्या होता है, केंद्र हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतः केंद्र, कि अंतः केंद्र क्या होता है और अंतः केंद्र को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा होगा परिकेंद्र और चौथा लंब केंद्र। ये सारे सुनने में बिल्कुल सेम लगते हैं। देखिए केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, लेकिन ये वास्तविकता में बहुत अलग होते हैं, ज्यादा अलग भी नहीं होते, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। आप किसी से भी पूछ के देखो इन चारों के बारे में, वो इन चारों में से कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज जरूर होगा, मैं गारंटी देता हूं आपसे, क्योंकि ये चीजें ही कुछ ऐसी है कि कंफ्यूजन पैदा कर ही देती हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा इनको कि कंफ्यूजन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं इस चीज में, क्योंकि हम आज ऐसे याद करने वाले हैं इन सबको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, यानी केंद्रक से। तो चलिए बात करते हैं हमारे ज्यामितीय बिंदु में पहले पॉइंट केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या होता है और केंद्रक को हम कैसे निकाल सकते हैं, जानते हैं, मेरे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की डेफिनेशन क्या होती है। केंद्रक की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होती है, किसी त्रिभुज, आप किसी एक त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, किसी त्रिभुज के शीर्ष यानी कॉर्नर से, उसके कोने से, हमारे इसके कॉर्नर हो गए ए बी और सी, से सम्मुख भुजा यानी उसके सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, तो हमने इसके मिड पॉइंट, हमारे ये मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। जी हाँ, किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि माध्यिका क्यों बता रहे हो, हमें तो त्रिभुज का केंद्रक बताना है। तो वही है मेरे भाई कि सबसे पहले माध्यिका जानो, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो हमारे इसका केंद्र क्या होगा, ये सबसे पहले इसकी
मादिका होगी हमारी तीन, और इन मादिका ये जहाँ पर हमारी ये काटेंगी वहीं पर हमारा केंद्रक होगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर हमारा इसका केंद्रक होगा, ठीक है? कुछ समझे मेरी बात? वापस रिपीट करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले केंद्रक क्या होता है। केंद्रक होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मादिका कहा जाता है। ये है हमारी मादिका, ठीक है दोस्तों? मादिका कहा जाता है और मादिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर केंद्रक। तो मादिका जान, मादिका आप जान चुके क्या होती है? शीर्ष से आपको सामने वाली भुजा का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उस पर जो रेखा हम डालते हैं उसे मादिका कहते हैं, और मादिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यहां तक खेल खत्म हुआ। और प्रत्येक मादिका को केंद्रक या केंद्र कहें तो केंद्रक, हमारा जो केंद्रक है ये केंद्रक प्रत्येक मादिका को 2:1 में विभाजित करता है। क्या करता है? केंद्रक प्रत्येक मादिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2:1, 2:1, 2:1 ऐसे विभाजित करता है। और इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस अनुपात पर और इस मादिका पर, इन पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे भाई। केंद्रक निकालना तो बहुत आसान है, आपको तीनों हमारे त्रिभुज के शीर्ष या कॉर्नर दे दिए जाएंगे। मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट हो गए x3, y3। यदि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाएं तो आप उनसे केंद्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहां पर, देखिए आप केंद्रक निकालेंगे, यहां पर हमारा केंद्रक जो होगा वो होगा x1+x2+x3/3, y1+y2+y3/3। ये हमारा सिंपल साइज का केंद्रक हो जाएगा। तो इसको मैं वापस लिखूंगा, लेकिन इससे पहले आप एक बार इस डायग्राम पर वापस थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, जो फंडा है, वो इसी का है पूरा का पूरा। क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आता है, केंद्रक से डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको इनमें फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी। वापस समझिए कि केंद्रक क्या होता है। त्रिभुज के कॉर्नर से या त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को मादिका कहा जाता है, और मादिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक प्रत्येक मादिका को 2:1 में विभाजित करता है। यहां तक ठीक है दोस्तों? अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसे मिटा के केंद्रक का सीधा डायरेक्ट, हमारे पास तीनों निर्देशांक हो तब हम केंद्रक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो लिख देता हूं। तो देखिए अब हम केंद्रक डायरेक्ट निकालते हैं यदि, तो जल्दी से लिखिए आप यहां पर, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए का मान है हमारे पास x1, y1, ये उसके कोऑर्डिनेट है, उसके निर्देशांक है, बी है हमारा x2, y2 और सी है हमारा x3, y3, तो अब हमारा केंद्रक क्या होगा? तो हमारा जो केंद्रक होगा वो केंद्रक होगा दोस्तों हमारा होगा x1+x2+x3। जो x वाले जो हमारे कोऑर्डिनेट है तीनों के अंदर, उन तीनों को आपको जोड़ देना है और इनके अंदर 3 का भाग दे देना है। इसी तरह आपको y1+y2+y3/3 आपको कर देना है, और इससे आपके केंद्रक के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखिए कितना आसान है केंद्रक को समझना। और इसी तरीके से हमारे अगले तीनों, दोनों तीनों पॉइंट है। तो केंद्रक आप समझ में आ गया होगा, आपको केंद्रक समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट मुझे करके बताइए, थम्सअप कीजिए, जय हिंद लिखिए और बताइए कि हाँ मुझे केंद्रक समझ में आ गया, और कभी भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिशन एनडीए 2020, एयरफोर्स 2020 का जो मिशन है हमारा, वो आपका सपना जरूर पूरा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तो देखो आपको मात मैं खाने नहीं दूंगा यदि आप मेरे साथ बने रहे और मेरे पूरे वीडियो को आप देखते रहे तो। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। जल्दी नोट कीजिए केंद्रक को।
तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतः केंद्र इन सेंटर। अभी हमने केंद्रक की बात की, सेंटर क्या होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर डाली गई रेखा या खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं और माध्यिकाओं के प्रति छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। हमने केंद्रक को जान लिया, अब बारी है अंतः केंद्र की इन सेंटर की, कि अंतः केंद्र इन सेंटर क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वही सेम टू सेम प्रोसेस है। अंतः केंद्र क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ले लीजिए और इस त्रिभुज के जो अंतः कोण होते हैं वहां पर हमने त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र कहा था। और अब हम यहां पर क्या कह रहे हैं, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के, यानी त्रिभुज का जो कोण है उसके अंतः कोण है, यहां पर अगर थीटा कोण है तो इस कोण का यहां पर दो भाग होने चाहिए बिल्कुल बराबर, थीटा बाई टू थीटा बाई टू। इसी तरह सभी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र या इन सेंटर कहा जाता है। तो चलिए मैं डायग्राम में शो कर देता हूं, थोड़ा सा आप भी मेरे साथ देखते रहिए और काम कीजिए। ये हो गया थीटा बाई टू, ये हो गया थीटा बाई टू, ये भी हमारा थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ये भी हमारा थीटा बाई टू और थीटा बाई टू। तो ये अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये है हमारा अंतः केंद्र, अंतः केंद्रक। तो इस तरह आप अंतः केंद्रक निकाल सकते हैं। ये था कंसेप्ट, अब हम अंतः केंद्रक कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, बिल्कुल आसान सी है, जैसे केंद्रक की याद की वैसे ही, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं। तो चलिए अब अंतः केंद्र हम कैसे निकालेंगे वो देखिए मेरा सूत्र। अंतः केंद्र को हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ध्यान रखिएगा अंतः केंद्र को कैपिटल आई से डिनोट या नीचे वो क्या बोलते हैं दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कैपिटल आई अंतः केंद्र बराबर क्या होगा, इसका हमारा सूत्र होगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पहला। दूसरा होगा ए वाई वन प्लस ए वाई टू प्लस ए वाई थ्री बटा ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र उसका इन सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे त्रिभुज के निर्देशांक को जो शीर्ष हैं उनके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ये हमारे त्रिभुज के कोऑर्डिनेट है, उनके निर्देशांक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, यहाँ पर इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे शेयर अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए जल्दी से अभी यहाँ पर, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले जो तीसरा जो पॉइंट है हमारा उसकी बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए फिर बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों परिकेंद्र। इससे पहले हमने दोनों केंद्रक और अंतः केंद्रक की बात कर चुके हैं, मैं वापस रिवाइज करता हूँ। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र में किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट है हमारा परिकेंद्र की। परिकेंद्र क्या होता है, इसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और इस पर किसे कैसे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो चलिए देखते हैं परिकेंद्र को। सबसे पहले परिकेंद्र की डेफिनेशन की हम बात करें तो ये डेफिनेशन लगभग सभी की सेम सी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन तीनों में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करते हैं। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे की वैसे समझिए, वैसे इनकी डेफिनेशन लिखिए और वैसे लिखते जाइए, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप टाइम पर इनका रिवीजन करते रहिएगा। तो देखिए परिकेंद्र की डेफिनेशन अगर हम देखें तो परिकेंद्र क्या होता है, वही सिंपल सा है किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया हमारे पास। तो देखिए
त्रिभुज हो गया हमारे पास ए बी सी, अंतः केंद्र में क्या था, अंतः कोणों के समद्विभाजक, और यहां पर क्या है किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई त्रिभुज है हमारे पास और किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, इस भुजा का समद्विभाजक मान लीजिए ये है, इन्होंने इसने दो भागों में विभाजित किया, इस रेखा ने इस AB हमारी भुजा को दो भागों में समान भागों में विभाजित किया, समद्विभाजित किया, ऐसे ही इसने इसे किया, ऐसे ही इसने इसे कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा परिकेंद्र आ गया। ओके दोस्तों, ये हमारा परिकेंद्र आ चुका है, इसे हमने नाम दे दिया O। ठीक है, परिकेंद्र वापस आप डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, जबकि केंद्रक में क्या था, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को माध्यिका और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक, जबकि अंतः केंद्र में किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। ये सभी आपको अगर हम आप डायग्राम इनके बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो डायग्राम इन तीनों के बिल्कुल सेम ही बनेंगे, और तीनों के क्या चारों के सेम बनेंगे भाई, लेकिन डायग्राम मायने नहीं रखता, इनका जो असली जो कंसेप्ट है ना वो मायने रखता है। पहले में हम सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर डाल रहे थे रेखा, दूसरे में कोण का समद्विभाजक, और तीसरे में भुजा का समद्विभाजक है। तो यहां पर हम कैसे इसे निकाल सकते हैं, हमारा जो परिकेंद्र होता है, यहां पर लिख लीजिए आप, परिकेंद्र बराबर क्या होता है आपका, परिकेंद्र बराबर OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर होता है, ये आप नोट कर लीजिए, परिकेंद्र बराबर OA का होल स्क्वायर बराबर OB का होल स्क्वायर बराबर OC का होल स्क्वायर, आप इससे परिकेंद्र के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको एक स्टार एक नोट लगाकर और यहां पर नोट करना है, यहां पर आप नोट लगाकर नोट कर लीजिए, एक छोटी सी लाइन आपको लिखवाऊंगा, बड़ी ही मजेदार या बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, और ये लाइन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज, लिखिए यहां पर समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र करण का मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र करण का मध्य बिंदु होता है, करण का मध्य बिंदु होता है। ये लाइन आपको देखने में बहुत ही आसान या छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इस लाइन के पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट या एक राज हम बोले तो वो छुपा हुआ है, और वो क्या है, वो पूरा परिकेंद्र ही छुपा हुआ है बात करें तो। जी भी बिल्कुल, ये लाइन है ना, ये लाइन आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, NDA की, एयरफोर्स की, नेवी की, किसी भी एग्जाम की बुक उठा के देखिएगा आपको इस छोटी सी से एक लाइन पर बेस्ड वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि इसे एक पूरी लाइन ने परिकेंद्र के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया मेरे भाई। तो परिकेंद्र को समझने के लिए आप इसके क्वेश्चन आपको सभी बुक में मिलेंगे, उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें बढ़िया तरीके से, और इस परिकेंद्र वाले टॉपिक को क्या पूरे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आग लगा के रख दें, पूरे चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा और नहीं बचा हमारा, थोड़ा सा और चाहे, बस मेरे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए पूरी वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरा टारगेट दिया था कि एक एक बच्चा 10-10 ग्रुप में शेयर करेगा तभी हमारी बात बन सकती है, तभी ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और मेरा जोश हाई लेवल पर जाएगा, और जितना मेरा हाई लेवल पर जाएगा उससे 10 गुना आपका हाई लेवल पर मैं लेकर जाऊंगा। तो देखिए इसे आप जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। तो चलिए नोट कीजिए इसे आप जल्दी से, परिकेंद्र का खेल खत्म हुआ। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे चौथे और लास्ट ज्यामितीय बिंदु के बारे में। ये हमारा चौथा बिंदु है लंब केंद्र। जी हाँ, लंब केंद्र, इससे पहले तीनों बिंदु हमारे केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, इन तीनों को हम अच्छे से बिल्कुल समझ चुके हैं ये क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो अब बारी है हमारे लंब केंद्र की, लंब केंद्र क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियो को आगे तक।
तो देखिए लंब केंद्र की अगर हम बात करें, तीनों के डेफिनेशन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट है, पूरा उनका कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट है। तो अब लंब केंद्र क्या होगा? लंब केंद्र की बिल्कुल सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं और शीर्ष लंबों के प्रति छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। देखिए यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज के हमारे ये शीर्ष हैं ए बी और सी। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यानी उसके सामने वाली भुजा पर, शीर्ष के कॉर्नर के जस्ट सामने वाली भुजा पर आपको एक लंब डालना है। तो हमने ए से लंब डाला, इस पर ये लंब, इससे लंब डाला, इस पर ये लंब, और इससे ये लंब डाला, तो ये लंब, ठीक है। सभी पर जो लंब डालते हैं तो इस लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष, सॉरी, ये शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं और शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। ये हो गया हमारा लंब केंद्रक हो गया। तो ये हो गया लंब केंद्र की आपको डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ चुका है दोस्तों। तो वापस समझने की कोशिश कीजिए कि लंब केंद्र क्या होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब हम कहते हैं और शीर्ष लंबों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे लंब केंद्र कहते हैं। इस लंब केंद्र को हम हमेशा कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर अब आपको याद रखने वाली बात क्या है? समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, यहां पर आप नोट भी कर लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र लंब शीर्ष होता है। देखिए आप इसे नोट कीजिएगा, हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है कि उसका लंब केंद्र क्या होगा? कभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और डायरेक्ट आता, केवल एक सेकंड भी नहीं लगती इसका आंसर आपको बताने में। बस इस लाइन को आपको याद रखिए, वो आपसे तीन हमारे कॉर्नर के निर्देशांक दे देगा और उससे पूछेगा कि इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए और मोस्ट ऑफ टाइम वो समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज का क्या होता है भाई? क्या होता है उसका? समकोण शीर्ष ही होता है। तो डायरेक्ट आपको वही लिखना, उसमें टाइम नहीं लगता। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समझने की कोशिश कीजिए। तो हमने इससे इस पर लंब डाला तो हमारा, देखिए सॉरी, इससे लंब डाला तो ये हो गया, इससे लंब डाला तो ये हो गया और इससे लंब डाला तो हमारा, इस कॉर्नर से लंब डालेंगे तो ये हो गया। लेकिन तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु तो समकोण शीर्ष ही है हमारा। तो इसका पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये समकोण शीर्ष वाला। और इसको वापस मैं एक बार और रिपीट करता हूं, लंब केंद्रक को देखिए, हमने केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र तीनों की बात की अच्छे से। अब चौथा है लंब केंद्र। लंब केंद्र की डेफिनेशन होती है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, जस्ट उसके सामने वाली भुजा पर आपको एक लंब डालना है और उस लंब को हम कहते हैं शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब जो होते हैं, तीनों शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र को हमेशा कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र की बात करें तो वो उसका समकोण केंद्रक ही होता है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है हमेशा, ये पॉइंट है कि समबाहु त्रिभुज के लिए चारों बिंदु एक समान ही होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, समबाहु त्रिभुज के लिए सभी बिंदु एक समान ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज के लिए सभी बिंदु समान होते हैं। कौन से बिंदु होते हैं समान? हमारे वही चारों बिंदु, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। तो आप इनमें से किसी एक को निकाल लीजिएगा और चारों वही होंगे समबाहु त्रिभुज के लिए। तो देखिए ये हमारा लंब केंद्र कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक छोटा सा फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ पूरे ज्यामितीय बिंदु का।
ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा सातवां पॉइंट है ज्यामितीय बिंदु, और इस ज्यामितीय बिंदु में हमारे चार पॉइंट आते हैं। पहला केंद्रक, दूसरा अंतःकेंद्र, तीसरा परिकेंद्र और चौथा लंब केंद्र। केंद्रक क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक का खेल खत्म हुआ। अगर उसके तीनों शीर्ष हमें त्रिभुज के दे दिए जाएं तो x1+x2+x3/3, y1+y2+y3/3 केंद्रक आ जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है अंतःकेंद्र। तो अंतःकेंद्र क्या होता है? अंतःकेंद्र होता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के, त्रिभुज के तीन अंदर कोण होंगे तो अंतः कोणों के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। इसका सूत्र हमारा होता है a x1 b x2 c x3 a b + c, a y1 b y2 c y3 a b + c। तीसरा आता है परिकेंद्र। परिकेंद्र होता है किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं के समद्विभाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इसे O से डिनोट करते हैं। ये OA² OA² OB² OC² होता है, जहां O परिकेंद्र और ABC त्रिभुज के तीनों के शीर्ष होते हैं। चौथा है लंब केंद्र। लंब केंद्र किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब और शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण शीर्ष होता है, और संभव त्रिभुज के लिए चारों बिंदु समान होते हैं। तो ज्यामितीय बिंदु हमारा खत्म हुआ। अब बात करेंगे हमारे आठवें बिंदु के बारे में, आठवें पॉइंट के बारे में। तो आठवां ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट होगा, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चैप्टर खत्म होने की कगार पर है। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया ना तो लाइक ठोको जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी, और घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पर दबाओ, और इस वीडियो को 10 ग्रुपों में शेयर करो, और इस वीडियो को अधिक से फैला दो सभी जगह, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना मेरे भाई जल्दी से। तो चलिए फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर आठवें पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं अब हमारे आठवें पॉइंट के बारे में। अब तक 7 पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के हो चुके हैं। आठवां पॉइंट है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, और इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूँ करने के लिए, जिनका आंसर आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी के सभी को, ठीक है। तो चलिए आठवां पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने एक लाइन आपके सामने लिखी है, इस लाइन को समझाता पहले। तो देखिए यदि त्रिभुज के शीर्ष, यानी त्रिभुज के जो हमारे शीर्ष हैं, कॉर्नर हैं, त्रिभुज के शीर्ष x1 शीर्ष के निर्देशांक, ओके, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बार आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाते हैं और सीधा पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? डेल्टा बराबर इसका होता है 1/2। यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी एक डिटर्मिनेंट, जी हाँ, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बनाएंगे। तो 1/2 सारणिक x1 x2 x3। हमारा जो पहला है x वाला कोऑर्डिनेट, तो वो लिखेंगे x1 x2 x3। फिर लिखेंगे दूसरा y1 y2 और y3, और तीसरा लिख देंगे 1 1 1। तो अब ये हमारे पास एक सारणिक बन चुकी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस सारणिक को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 दिए जाएंगे, तो बस आपको उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और सीधा इसको सारणिक को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। समझ में आ गया? वापस समझिए एक बार कैसे निकालेंगे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दे दिए जाएं, जैसे आपके सामने x1, y1, x2, y2 और x3, y3 शीर्ष दिए गए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? डेल्टा बराबर 1/2 सारणिक x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। उल्टा भी लिख सकते हो आप इसे,
मतलब चेंज करके x1, x2, x3, y1, y2, y3 एक-एक बिल्कुल सेम ही है सारणी। जब सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसे सोल्व करना तो आपको आता ही है क्योंकि 12th क्लास में भाई पूरा चैप्टर है, और ये जिसको नहीं आएगा सारणी सोल्व करना, सामान्य बेसिक सारणी का, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला। तो इसको सोल्व कर लेना। इसके साथ यहाँ पर एक स्टार लगा के और देखो, एक छोटी सी बात और समझाता हूँ इसी के अंदर। मान के चलिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी और सी। इस त्रिभुज का हमारा तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे इसका मध्य बिंदु है डी, इसका है ई और इसका है एफ, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं से हमारा एक त्रिभुज ये बन गया। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, वापस सुनिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या होगा, 1/4, और ये 1/4 का भी चौथा हिस्सा है, तो उसमें 1/4 और कर देंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दे दिया जाए और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, तो आप उसे कैसे निकालोगे, या फिर आपको वो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दे या इनकी कॉर्नर के निर्देशांक दे दे मध्य बिंदुओं के, तो फिर आपसे पूछे तो वो कैसे निकालोगे। तो हमारा डेल्टा बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 गुणा कितना होगा, 1/4 गुणा त्रिभुज 1/4, सॉरी 1/4 नहीं होगा, पहले देखो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणा त्रिभुज डी, सॉरी 4 गुणा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। वापस समझना है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार वापस फोकस कीजिएगा बोर्ड के ऊपर। हमारा टॉपिक का नाम है, पॉइंट का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आपको किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए जाएं तो आप उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। कैसे, आप डेल्टा बराबर 1/2, ये सारणिक है, सारणिक में इन शीर्षों के मान रखेंगे और इसे सोल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन इतना आसान तो वो पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा कुछ लोचा तो उसके अंदर करेगा, तो वो लोचा क्या कर सकता है, कुछ हमें कन्फ्यूजन में कहाँ डालेगा, तो वो देखिए, आपको मान लीजिए वो कहेगा कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, त्रिभुज एबीसी है कोई, उसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल ये है, तो आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालोगे, तो ये वाला त्रिभुज एबीसी है और इसके मध्य बिंदुओं से बना त्रिभुज डीईएफ है, ये इसका 1/4 हिस्सा है, तो ये 1/4 है। तो हम इस त्रिभुज का निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 4 गुना त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। तो इससे हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे भाई। और इस त्रिभुज का डीईएफ का कैसे निकालोगे, वो आपको डीईएफ तीनों कॉर्नर के तीनों इनके शीर्षों के निर्देशांक देगा, तो इसी तरीके से उसके निकाल लेना और आप निकाल सकते हो। अगर आपको पूरे का देता है और इसका पूछे तो आप क्या करोगे, 1/4 कर दोगे, त्रिभुज डीईएफ 1/4, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/4, तो आपका त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब एक लास्ट हमारा छोटा सा पॉइंट बचा है, त्रिभुज के संरेख, जो हमारे बिंदु है उनके संरेख होने का प्रतिबंध, ये संरेख होने की स्थिति, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मेरे लास्ट जो छोटा सा पॉइंट बचा है इसी के अंदर, तो उसे मैं क्लियर करवा देता हूँ, पूरे करवा देता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए, और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, बहुत हो गया चैप्टर को इसको परेशान करते हुए, तो आज इसकी ऐसी की तैसी कर दी। तो चलो फिर जल्दी नोट करो भाई से, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से शेयर करो जल्दी जल्दी, और जितने भी लोग, अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ नीचे भाई, जो भी कमेंट करो जल्दी कमेंट करा करो आप, और दूसरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो
तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट छोटे से पॉइंट के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। पूरे चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, पूरा हो ही चुका है, बस ये लास्ट है इस छोटे से और समझाना है आपको। इसके बाद में बस मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। देखिए पूरे चैप्टर को हमने इस पूरे 2 घंटे में बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप वास्तव में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं ना, तो 2 घंटे बिना किसी चीज़ को छेड़े बस अपने इस वीडियो को या तो अच्छी क्वालिटी के साथ डाउनलोड कर लीजिए या YouTube पर इसे लाइव देखिए, मेरे मतलब YouTube पर ही देख लीजिए आप इसे, जैसा आपको सही लगे ना वैसा कीजिए। लेकिन पूरे प्रॉपर 2 घंटे तक कान में एयरफोन लगा के साथ नोटबुक लेकर इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लीजिएगा मेरे भाई, साथ में नोट्स बना लीजिएगा और फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वो खोने वाला डायलॉग पुराना हो गया, अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मेरे भाई। तो चलो पहले से पूरा कर लेते हैं। देखो हमारा लास्ट जो छोटा सा पॉइंट या टॉपिक है उसका नाम है संरेख होने का प्रतिबंध। ये क्या है, ये कहां काम आएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, सारी बातें अभी समझा देता हूं आपको। देखिए संरेख होने का प्रतिबंध, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 3 बिंदु हैं दोस्तों, X1Y1, X2Y2 तथा X3Y3। ये 3 बिंदु आपको दे दिए जाएंगे, वो तीनों पूरे बिंदु नहीं देगा, ध्यान से सुनिए एक बार मेरी बात को, वो आपको कहां क्या मिस्टेक कर देगा, इनमें से एक को कुछ अलग ही नाम दे देगा उसको, मतलब एक लिखेगा ही नहीं, उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं देगा। जैसे उसने लिखा कि X1Y1, X2Y2, X3Y3 में से उसने X2 की वैल्यू नहीं लिखी, तो आपको X2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसने X1 की नहीं लिखी तो X1 की निकालनी पड़ेगी। इस हिसाब से वहां पर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये संरेख कब होंगे, ये तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष, हमें 3 शीर्ष दिए जाएं तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास 3 शीर्ष है तो अधिकतर क्या भाई मतलब त्रिभुज ही बनेगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है त्रिभुज ही बने, वो तीनों संरेख भी हो सकते हैं। तो संरेख होने का जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, वो देखिए गौर से, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही है बिल्कुल सेम टू सेम। ये हमारी एक सारणिक है और इस सारणिक में हमारे ये X1, X2 और X3, ये हमारा Y1, Y2 और Y3 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये एक 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 हो गया और इसको आपको 0 के बराबर कर देना है। जी हाँ, ये होता है हमारा संरेख होने का प्रतिबंध या संरेख होने का जो भी रिलेशन बोल सकते हो आप, ये वही होता है। इस सारणी को जब आप हल करोगे और इसमें आपको वो किसी भी एक एक को, जैसे इसको Y1 को उसने कर दिया, इसका मान आपसे पूछेगा और सभी के मान दे देगा, या आपसे और तरीके के बहुत सारे तरीके के इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इन तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ये होता है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, तो अभी आप क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, तो वो क्वेश्चन आपको सभी को वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट ले लेना है उन क्वेश्चन को। मैं एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं दूंगा, सॉल्यूशन आपको खुद को मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों। जो क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट वाले में करवाऊंगा उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, कितने लोग वास्तव में अपने सपने के लिए मेहनत करते हैं, अपने सपने को पाने की चाह रखते हैं। क्योंकि जो लोग अपने सपने के लिए मेहनत करेंगे वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे 2 घंटे तक, और इन 2 घंटों के बाद में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर जरूर कमेंट करेंगे। तो देखता हूं कितने लोग हैं वो जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, और उसी के बेसिस पर मैं जल्दी ही अगली क्लास भी लेकर आऊँगा और प्रैक्टिस सेट और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस चैप्टर के जितने भी हैं NDA के एयरफोर्स के वो सभी पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसे अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिए, और इसे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप सभी के सामने क्वेश्चंस लिखता हूँ दोस्तों। तो चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, अपने सपने के लिए जीना सीखो मेरे भाई, सपने के लिए बस, और चीज़ें छोड़ो, क्योंकि सपने ही हैं जो हमारे खुद के अपने हैं, बाकी तो सभी पराए हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल वो चले जाएंगे हमसे दूर, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो एक्स कोई फ्रेंड हो, जो भी है सभी दूर हो जाएंगे आपसे आज नहीं तो कल। लेकिन आपके सपने ही हैं जो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। तो अपने सपनों के लिए जीना सीखो बस, केवल सपनों के लिए, ठीक है, क्योंकि सपने पूरे होंगे तभी तो हमारे अपने हमारे होंगे। तो चलिए फिर
बात करते हैं क्वेश्चंस की, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। तो चलिए फिर देखिए, आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आ चुका हूं। इन क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो इन क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी लेवल के हैं। लेकिन मैं बस इतना देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सपने के लिए जीते हैं, अपने सपने के लिए मेहनत करते हैं और वास्तव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो आप इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। आपकी 5 मिनट भी नहीं लगेगी इन सारे क्वेश्चन को करने में। तो चलिए क्वेश्चन देखिए और मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, कार्तीय निर्देशांक आपको दिए गए हैं -1√3, आपको ध्रुवीय निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांक आपको दिए गए हैं √2 3/3π/4 के कार्तीय निर्देशांक आपको निकालने हैं। हमारा पहला दूसरा पॉइंट था ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांक में संबंध, उससे ये हो जाएगा आपका। अगला है प्रतिबिंब ज्ञात करना, प्रतिबिंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट था हमारा। उसके अंदर आपको ये 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, 4 बिंदु कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, इनके प्रतिबिंब आपको ज्ञात करने हैं। एक्स एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष, वाई बराबर एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब मुझे बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को -2.5 पर स्थानांतरित करने पर -6.8 के नए निर्देशांक, ये हमारे नोट फर्स्ट जो मैंने लिखवाया था उसका क्वेश्चन है। तो इसको आपको सोलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, 2.15° तथा 1.75° के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से निकालना है। अगला है हमारा, आपके पास में 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, a (2-2), b (-2, 1), c (5, 2) से बनने वाली आकृति क्या होगी आपको बताना है। क्वेश्चन तो और भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन अनलिमिटेड हैं, लेकिन बस मैं इतना चेक करना चाहता हूँ कि क्या आप वास्तव में मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मदद मिली हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को कृपया प्लीज़ लाइक कीजिए। यार मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो में कितनी बार मैंने बोला है लाइक कीजिए, तो लाइक करो ना यार, जल्दी से इसे शेयर करो, कम से कम 10-20 ग्रुपों में शेयर करो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, सभी जगह शेयर करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसे लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ, सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत मेरे, सॉरी, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। अपने सपने के लिए आप जीते रहो, मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूं। मैथमेटिक्स को हम खेल खेल में ही यूं सीखते रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं एक और किसी चैप्टर में। नहीं, मिलेंगे पहले हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, एक बार फिर से बोलो वंदे मातरम।